The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकते, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकते। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। इंटेल का सोर्स क्या है? हाय सर। क्या सोचा तुमने, बच जाओगे? वेल, कई फ्लॉप्स देने के बाद उलझ से जानवी करेंगी बॉक्स ऑफिस पर राज। ये कह रहा है उनकी फिल्म उलझ का ट्रेलर। बनेगी जानवी के लिए लाइफ चेंजिंग फिल्म स्पाई, राजी ब्रिज ऑफ स्पाइसेस, असॉल्ट खुफिया, टाइगर जिंदा है, पठान, वॉर, सरदार, मिसेस अंडरकवर जैसी फिल्मों में तब्बू, राधिका आप्टे, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण के बाद अब जानवी स्पाई यूनिवर्स में अपनी पकड़ जमा रही हैं। जानवी फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल थ्रिलर में काम कर रही हैं। अब क्योंकि ये स्पाई का रोल कर रही हैं और ऐसे रोल इंडियन सिनेमा में तब्बू, आलिया, दीपिका, कैटरीना भी कर चुकी हैं, लेकिन जिस किरदार से जानवी का किरदार ज्यादा मेल खाता है वो है मेघना गुलजार की राजी की आलिया। जिस तरह आलिया राजी में छुपकर 2 पर्सनालिटी में काम करती हैं, उसी तरह जानवी अपनी फिल्म उलझ में काम करती दिखेंगी। फर्क है कि आलिया उसमें स्पाई एजेंट थी, लेकिन जानवी कपूर एक IFS के किरदार में दिखेंगी। उलझ की कहानी आपको उलझा देगी। इससे पहले बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड, हॉलीवुड में भी पॉलिटिकल थ्रिलर बन चुकी है, लेकिन ये जो जानवी की फिल्म आचार्य, आर्टिकल 370, सिराना, द आईडी ऑफ मार्च, मद्रास कैफे, सबसे अलग है, क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर यात्रा पर ले जाने वाली है। इसमें सुहाना की लाइफ धोखे व साजिशों के जाल में फंसने के बाद एक बड़ा मोड़ लेता है। गुलशन देवया इस फिल्म में जानवी से कहते हुए नजर आते हैं, सुहाना तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो भी किया देश के लिए किया? विश्वासघात, वफादारी, ये सिर्फ हम जैसे लोगों को फंसाने के लिए बनाए गए शब्द हैं। ये राष्ट्र सीमाओं से बस रेत पर खींची गई रेखाएं हैं जिनका कोई मूल्य नहीं। जिस पर जानवी कपूर कहती हैं, विश्वासघात की कीमत जीवन है, अपना दे दो या किसी और का ले लो। ट्रेलर सस्पेंस और सीक्रेट्स की वाइब देता है। साथ ही इसमें खास बात है कि जानवी एक्शन मोड में दिख रही हैं, जो उनका किरदार पहले भी फिल्मों मिस्टर मिसेस माही, मिली, बवाल, रूही, गुंजन सक्सेना, धड़क से डिफरेंट है। पहले उन्होंने बस रोम कॉम मूवीज की हैं, जो ऑडियंस को इतनी पसंद नहीं आई, पर ये अब जानवी का मौका है ऑडियंस को इम्प्रेस करने का और बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा स्थापित करने का। जैसे वरुण भी कॉमेडी फिल्मों से अपना जॉनर चेंज कर बेबी जॉन अजमा रहे हैं, वहीं सलमान को रोम कॉम से एक्शन फिल्मों की तरह आए, वहीं शाहरुख भी एक्शन किरदारों से वापसी कर रहे हैं हिट हुए, तो जानवी भी इसी कदम पर चलती हुई दिख रही हैं। तो ये जानवी के लिए लाइफ चेंजिंग मूवी हो सकती है। वेल, आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने जा रही हूं। कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना, आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन बच जाओगे? यार मुझे सोच। उलझ जानवी के लिए इतनी पर्सनल फिल्म क्यों है, क्यों ये इतनी अटैच्ड है इस फिल्म से? इस सब का एक ही जवाब है, जानवी का डूबता करियर। जी हाँ, जिसे बचाने के लिए वो थोड़ी पर्सनल भी हो गई तो अच्छी बात है ना। वैसे जानवी ने इसमें कई एक्शन सीन्स किए हैं जो उनके लिए नए हैं, इसीलिए भी फिल्म उनके लिए खास बन गई है, क्योंकि जो कंफर्ट से बाहर आकर काम हो वो खास होता ही है। वहीं पर फिल्म पर्सनल इसलिए भी है क्योंकि जानवी की इस फिल्म में उनका पहला मोनोलॉग होगा।
मोनोलॉग समझते हैं ना आप लोग, जब एक एक्टर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लंबी चौड़ी स्पीच देता है, जैसे प्यार का पंचनामा में कार्तिक ने लड़की और लड़के की सिचुएशन पर एक लंबी स्पीच दी थी, जिसके वजह से उस फिल्म को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ और फिल्म का बेस्ट सीन भी माना जाता है, क्योंकि उलझ में नेपोटिज्म की बात हुई है और ये लड़कियों के केस में प्रमोशन को लेकर एक बहुत लंबी बहस है, और इसी के चलते जानवी मोनोलॉग देंगी जो उलझ के क्लाइमेक्स का पार्ट है। ये फिल्म भाई इतनी हाइट में है कि इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक इसका बज है, सिर्फ इसलिए कि ट्रेलर में पीटीआई की झलक देखने को मिली, उसके पाकिस्तान की जनता तो पागल हो रही है। उलझ ने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जिसका सबूत कई सिटीज में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की फटाफट बिकी दिखते हैं। ट्रेलर के रिलीज के बाद फिल्म की टीम ने मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में फैंस के लिए स्क्रीनिंग प्लानिंग की थी, जिनमें से सभी टिकटें 27 जुलाई को लाइव होने के 30 मिनट के अंदर ही बिक गई। ये जानवी कपूर की किसी भी फिल्म के लिए पहली बार है। भारी डिमांड के कारण मेकर्स ने 3 शहरों में और स्क्रीनिंग ऐड करने की प्लानिंग की अनाउंसमेंट की। इस फिल्म में एक्ट्रेस अपनी कंपैटिबिलिटी को पुश कर रही हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता कि इंडस्ट्री ने उनके अंदर के एक्टर को अभी तक पहचाना नहीं है। अगर पहचाना भी है तो शायद इस बारे में खास तौर पर जानवी नहीं सोच रही है, क्योंकि एक्टिंग ही वो चीज है जो वो अपनी पूरी दुनिया में, अपनी पूरी जिंदगी में करना चाहती है। उन्हें लगता है कि वो अपनी पहली फिल्म से लेकर अब काफी विकसित हुई है, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें किस तरह से लेती है ये वो खुद नहीं बता सकती। जानवी ने इस फिल्म में खुद को चुनौती देने और खुद में को शॉक करने का, कुछ अलग करने की कोशिश करने का एक फैसला लिया है। भले ही जोखिम बहुत अधिक है, क्योंकि ये कोई ग्लैमरस फिल्म नहीं है जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने हाई रिस्क वाली फिल्में चुनी हैं और उलझ उनमें से एक है। वहीं उलझ के स्टंटमैन जिन्होंने जानवी को उलझ के लिए तैयार किया, वो स्टंट डायरेक्टर निक पावल है, जिन्हें द बॉर्न आइडेंटिटी, ग्लेडियर और द लास्ट समुराई जैसी फेमस फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है। जानवी कपूर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही फेमिनिस्ट नेचर के साथ एक्शन सीक्वेंसेस करते हुए दिखाना ये काफी काबिलियत तारीफ है। इसीलिए इस फिल्म से जानवी की सोच में भी बहुत चेंजेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म और खास बन जाती है, जो 2 अगस्त को रिलीज हो रही है। बोला आप फिल्म देखने जा रहे हैं कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन, जानवी कपूर एक बहुत ही लॉयल एक्ट्रेस तो है भाई, मतलब एक्टिंग चाहे हो या ना हो, ग्लैमर तो होना ही चाहिए, और इस बात को लेकर उनकी लॉयल्टी, मतलब एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है इसके लिए। और इसी अपनी परंपरा को कंटिन्यू करते हुए मैडम जी आ चुकी हैं डांसिंग एंथम के साथ, जिसमें झूम रही हैं वोट का पीते हुए। तो जानवी की अपकमिंग फिल्म उलझ का पहला गाना रिलीज हो चुका है और इसमें हम देख सकते हैं जानवी कपूर एंड एक्टर गुलशन, ये दोनों नजर आ रहे हैं, और इनकी केमिस्ट्री देखने के बाद कह सकते हैं कि एक फ्रेश पेयर देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। और ये दोनों जाते हैं क्लब में, वैसे रियल हो या रियल जानवी के लिए कोई बात नहीं तो है नहीं, बस और ही नहीं है तो हर सेलिब्रिटी के साथ नजर आता है। खैर, तो इस गाने का नाम है शौकन और बेसिकली गुलशन और जानवी के कुछ हॉट रोमांटिक मोमेंट्स इस गाने में भरे हुए हैं। एंड 4 शॉट्स लगाने के बाद तो जानवी नागिन की तरह झूमने लगती हैं, जैसे हम अभी गाना सुन सुनकर बिना वोटके के झूम रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म में कुछ नमक मसाला डालने के लिए सेंसेशनल सॉन्ग को डाला गया, बल्कि इस फिल्म की कहानी ये बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। वाइब्स तो ऐसी आ रही है कि जानवी गुलशन के साथ तो है, पर कोई अलग ही चक्कर उसके दिमाग में चल रहा है। वह अपनी अदाओं से बंदे को पागल नहीं बल्कि बेवकूफ बना रही। वैसे जानवी का हॉट अंदाज और उनकी नई केमिस्ट्री से भी ज्यादा किसी और चीज की थोड़ी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि जब ये गाना स्टार्ट होता है तब एक आवाज सुनाई देती है जो है जुबिन नौटियाल की। सच में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और विराट कोहली गेम चेंजर है, उसी तरह जुबिन मतलब हमारे मूड चेंजर है, और उनके साथ छोटा पैक बड़ा धमाका वाली नेहा कक्कड़ की आवाज, मतलब मजा ही आ गया। वैसे कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ये एक एपिक सॉन्ग है, तो कुछ लोग तो फिल्म का बेसब्री से पॉपकॉर्न की तरह उछलते हुए इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोग जानवी की एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि उनकी इन अदाओं के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे हम भी यही गाना सुनने के बाद रिपीट मोड पर चला रहे हैं। पता नहीं गाना सुनकर हम रात में सो भी पाएंगे या नहीं। अरे पर हम जिस म्यूजिक की वजह से हम इतना पागल हो रहे हैं, उस बंदे को भी तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए ना बाबा।
जिनका नाम है शाश्वत सचदेव, और ये वही हैं जो कि एनर्जेटिक गाने बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली रिलीज हुई किल का कावा कावा वाला पंजाबी फ्यूजन सॉन्ग हो या फिर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का छल्ला गाना हो, ये सब जोश से ही तो भरा हुआ है। और इन्होंने फिर एक बार ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया है इस गाने के साथ, जिससे फिल्म का बस भी दिख रहा है। तो 2 अगस्त को ये फिल्म आ रही है, तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। पर ये मत भूलिए कि उलझ एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसमें नेपोटिज्म से लड़ती हुई जानवी नजर आने वाली है। तो देखते हैं कि ये इसका ढंग से जवाब दे पाती है या नहीं। वाला आप किस चीज के लिए एक्साइटेड हैं? जानवी की एक्टिंग के लिए, इस नए फ्रेश पेयर के लिए, जानवी के ग्लैमर के लिए, सॉन्ग के लिए, किस चीज के लिए? लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड। सुहाना, आपको क्या लगता है, आपने जो भी किया अपने वतन के लिए किया जिनमें सिर्फ हम जैसे लोग उलझते हैं? एक्ट्रेस जानवी कपूर उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जैसे कि टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, जिनका करियर बनेगा कि नहीं इसकी उनसे ज्यादा ऑडियंस को ही टेंशन होती रहती है। पर ऐसे में अब जानवी पंगा लेने के मूड में है, अरे इंडस्ट्री में नहीं, फिल्म में, जिसका नाम है उलझ, जिसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। और टीजर देखने के बाद एक यूजर ने ये भी कहा है कि डेफिनेटली जानवी इज द बेस्ट अमंग अदर न्यू नेपो किड्स। अरे भाई, इसकी तारीफ कर रहे हो या ताना मार रहे हो? खैर, तो इस फिल्म में जानवी बनते नजर आएंगी सुहाना नाम की एक IAS ऑफिसर, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, जिसकी पोस्टिंग हो चुकी है विदेश में। अब टीजर की शुरुआत में हम धुन सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और साथ ही घड़ी की टिक टिक, और फिर एंट्री होती है जानवी की, और बैकग्राउंड में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जो होता है एक्टर गुलशन देवी का, जो बार बार सुहाना को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, अपने देश के साथ गद्दारी करने को कह रही है। वे ये कहते हैं कि सुहाना, आपको क्या लगता है, अपने जो किया अपने वतन के लिए किया, गद्दारी वफादारी या सिर्फ अल्फाज है सुहाना जिनमें हम जैसे लोग उलझते रहते हैं? ये नेशंस बॉर्डर्स ये सिर्फ रेत में खींची लकीरें हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। और फिर एक गन के शॉट के बाद हमें जानवी का डायलॉग सुनाई देता है, गद्दारी की कीमत सिर्फ जान से चुकाई जा सकती है, जान दे के या जान ले के। तो बेसिकली ये देश के ऊपर आधारित कहानी है जिसमें सुहाना जैसी यंग डिप्लोमेट के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इस टीजर में ऐसे सीन्स हैं जहां पर सुहाना कुछ पेपर्स खोजने हुए, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए नजर आ रही हैं। शायद उसे ये एहसास होता है कि उसके देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और धीरे धीरे करके वह फंदा उसके गले तक भी पहुंचता है जहां अपने देश और अपने खिलाफ चल रही साजिश के खेल में उलझती जाती है। अब टीजर के एंड में आते वक्त हम जानवी को एक्शन मोड में देखते हैं जहां वह प्रोबेबली किसी की जान भी ले सकती है, क्योंकि वह खून के धब्बे मिटाने की कोशिश भी कर रही है। आखिर में किसी के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए भी नजर आती हैं। अब ये उसके मिशन का पार्ट है या सच में अपने प्रिंसिपल्स को सैक्रिफाइस करती हैं अपने देश के भले के लिए, या इसी बात को लेकर किसी ने धोखा दिया है, फंसाया है, ये देखने वाली बात है। और ये हमें देखने मिलेगी 5 जुलाई 2024 को। वैसे टीजर के बीच में हमने ये लिखा हुआ था कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ राजी बधाई हो और तलवार, क्योंकि उलझ के साथ साथ इन फिल्मों में भी जंगली पिक्चर्स के प्रोड्यूस जरूर किया हुआ है। वैसे अगर फिल्म राजी को लें तो उसमें आलिया ने एक सहमत नाम की अंडरकवर एजेंट का कैरेक्टर निभाया था, जो अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करके शादी करके पाकिस्तान चली जाती है। अब आलिया ने तो अपना कमाल दिखा दिया, पर अब ये देखना है कि जानवी उस लेवल का मैच कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं जानवी इस मौके का फायदा उठा पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। जानवी की फिल्म उलझ आपको इम्प्रेस कर पाएगी? क्योंकि जानवी को तो अपनों ने लूटा, औरों में कहां दम था। इसकी कश्ती थी वहां डूबी जहां सिनेमा की रूढ़िवादी सोच का दबदबा था। देश में लास्ट 40 से 50 साल में बिकने वाली बुक्स की गिनती की जाए तो किसी भी फिक्शनल स्टोरी से ज्यादा बुक्स उन राइटर्स के बिकते मिलेंगे जिनकी स्टोरीज के हीरो स्पाई रहे हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा। ऐसे राइटर्स ने इसमें बड़ा नाम कमाया है। असल में जासूसी एक आर्ट है, आर्ट, और जब से ऐसी स्टोरीज का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ये आर्ट ट्रेंड में आई है। जिन लोगों को सत्य कथा और मनोहर कहानियां जैसी मैगजीन याद होगी, उन्हें ये भी याद होगा कि ये अपने वक्त की सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन रही है। जंगली पिक्चर्स ने कोई 6 साल पहले गर्मियों के मौसम में ही अपनी पहली स्पाई फिल्म राजी रिलीज की थी।
इस बार बारिश के मौसम में उलझ का डीएनए भी कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ फर्क बस इतना है कि कहानी के कैरेक्टर्स एक दूसरे से उलझते चलते हैं और पैट्रियोटिज्म की फीलिंग का उफान लाए बिना कहानी का प्रेशर बना रहता है। सिटीज की सबसे आखिर में आकर वहाँ बसती है जहाँ फिल्म का क्लाइमैक्स आता है। खानदानी विदेश सेवा अधिकारियों वाले भाटिया परिवार की लड़की सुहाना नेपाल में अपनी काबिलियत का नमूना दिखाती है और इनाम में पाती है ब्रिटेन के इंडियन आईएफएस में नंबर 2 की पोजीशन। बंद गले जैसे ब्लाउज पहनकर रहने वाली सुहाना पहली नजर में ही वहाँ जिस मिशेलिन शेफ पर फिदा होकर सीधे उसके साथ हमबिस्तर होती है उसका अतीत कुछ और निकलता है। बात जब तक समझ में आए कि रात भर में ही उसके साथ हुआ क्या, वो दुश्मनों के हाथों का मोहरा बन चुकी होती है। जासूसी फिल्म हो और कहानी का सिरा पाकिस्तान से ना जुड़े, ऐसा होना हिंदी सिनेमा में अभी भी बाकी है। सिनेमा को ब्रिटेन में सब्सिडी भी खूब मिलती है तो कहानी और कारोबार दोनों के हिसाब से फिल्म उलझ की सेटिंग अच्छी है, कहानी भी अच्छी है। स्क्रीन प्ले परवेज शेख की है और उनको अपनी क्वीन और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से मिली शोहरत अब तक काम आ रही है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि परवेज ने ही मिशन मजनू, बेल बॉटम, ब्लैकमेल, बाजार और ट्यूबलाइट जैसी फिल्में भी लिखी है। अतिका चौहान ने फिल्म के डायलॉग्स में एक फेमस मुहावरे का लिंक चेंज करने के अलावा दूसरा कोई बड़ा काम ऐसा किया नहीं है जो फिल्म देखने के बाद हॉल से बाहर निकलते समय याद रह जाए। अपनी कमजोर कहानी और अपनी बनावटी डायलॉग्स के बोझ तले दबी फिल्म उलझ आपके दिल तक लाने की पूरी जिम्मेदारी इसके को एक्टर्स ने उठाई है। राजी रिलीज होने के साथ ही बारिश में ही फिल्म धड़क से अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर के लिए साल 2024 काफी इम्पोर्टेंट है। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में उनके एक्टिंग की तारीफ हो चुकी है, उलझ में भी उनका नाम बेहतर होने की गुंजाइश पूरी थी। देवरा का पहला भाग भी अगले महीने तक बड़े पर्दे पर आ ही जाएगा। दिक्कत यहाँ ये है दोस्तों कि बोनी कपूर जैसे मेकर्स की बेटी होने के बावजूद हीरो के तौर पर उन्हें अब तक राजकुमार राव और वरुण धवन मिलते आए हैं। मेहनत उनकी ओटीटी पर अधिक देखी गई है, सिनेमाघरों तक लोग उनके नाम की वजह से भी आए। इसके लिए जानवी सोशल मीडिया पर इफरात की मेहनत खूब करती है। फिल्म उलझ में उनका कैरेक्टर बहुत ही वीक है। सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों कि खानदानी अफसरों के घराने की एक बेटी विदेश में एक अनजान शख्स के साथ इतनी आसानी से हमबिस्तर कैसे हो जाएगी, समझना मुश्किल है। मुश्किल ये भी है समझना कि एक फॉरेन पीए किसी धार्मिक स्थल जाए और वहाँ उसी समय आम श्रद्धालुओं का भी आना जाना जारी रहे, खैरात पाने वाले कतारों में बैठे हो और आसपास पीएम के लिए संकट पैदा करने वाले लोग इतने आराम से अपना काम करते रहे, ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो यहाँ पर ओरिजिनलिटी कम लगी है। फिल्म में रोशन मैथ्यू इंडियन सर्विस में रॉ के एजेंट बने हैं और क्लाइमेक्स में उनके असली इंस्टीट्यूट का भी इशारा फिल्म के डायरेक्टर ने दिया है और इसकी सीक्वल बनाने का भी अपना रास्ता साफ किया है। लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल को फिल्म में देखने के लिए आपको इंटरवल के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। बात गुलशन देवैया की एक्टिंग की करें तो उनमें जानवी कपूर को मार देने का जज्बा अधिक दिखाई देता है और अपने किरदार पर टिके रहने का कम, ओवर एक्टिंग में वो पकड़े भी जाते हैं। मयंक चांग का कैरेक्टर छोटा है लेकिन दमदार है और आपको फिल्म उलझ की कहानी तो इसकी सबसे कमजोर कड़ी लगेगी। इस पूरी फिल्म को एक अलग रुआब के साथ बनाने में भी सुधांशु सरिया ने गलती की है। मेघना गुलजार ने यही काम राजी में नहीं किया था, उनके किरदार इसलिए हकीकत के ज्यादा करीब दिखे थे। उलझ में हर किरदार किसी न किसी एटीट्यूड में अधिक दिखता है, लेकिन हाँ श्रेया देव दुबे की सिनेमाटोग्राफी का एटीट्यूड जरूर आपको इफेक्ट करेगा। तो कंक्लूजन है कि उलझ एक बढ़िया स्पाई थ्रिलर फिल्म बन सकती थी लेकिन अभी सिर्फ ये एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई है जो आपको इम्प्रेस तो नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ ये वन टाइम वॉच जरूर है। अगर आप बोर हो रहे हैं और कुछ पैसे खर्च करने की चुल है तो आप जाकर ये मूवी आराम से देख सकते हैं। फिलहाल आप हमें कॉमेंट्स में ये बताएं कि आप ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हो या फिर नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड WhatsApp hi to 8828850088. आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन रिजर्व नहीं करती? क्या सोचा तुमने? बच जाओगे? मेरी ऑफिशियल क्लियरेंस ना मिले जो डाटा दे देना मैं करा के दूंगा।
द फेम गेम राजी वायरप की स्पाई यूनिवर्स और जानवी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है जानवी कपूर की नई फिल्म उलझ। इसमें पांच बातें ऐसी हैं जो आपका सर चकरा देंगी। उलझ का ट्रेलर आउट हुआ। इस फिल्म को राजी बधाई हो तलवार मेकर्स ने बनाया है। अब इन्होंने बनाया है तो कहीं ना कहीं राजी और तलवार की छाप इसमें नजर आएगी ही, और राजी से आलिया और जानवी का रोल काफी मिलता जुलता है। उलझ के एक सीन में दिखाया जाता है कि फाइल पर स्टैंप लग रही है और लीक की बात हो रही है। सेम सीन हम आलिया के राजी में भी देख चुके हैं, जब सहमत को पाकिस्तान में फाइल्स में से इन्फॉर्मेशन चुरानी होती है। अब दूसरी बात, रियल लाइफ में जानवी और बाकी स्टार किड्स नेपोटिज्म के लिए हमेशा फैंस के रडार पर रहते हैं, क्योंकि जानवी श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी है, तो ये भी इसके इम्पैक्ट से अपनी रियल लाइफ में नहीं बची है। ऑडियंस जानवी कपूर को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कहते हैं। अब जिस मुद्दे को जानवी कपूर ने अपनी पर उलझ में दिखाया है, ये उनकी लाइफ से रिलेटेड है। एक सीन में जहाँ जानवी को एक ऑफिसर कहता है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट मिलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अटपटी भी है, उनकी ये पोस्ट नेपोटिज्म की झड़ी लगती है, तो ये सीन यकीनन जानवी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। जैसे रियल लाइफ में ऑडियंस उनकी मेहनत को नहीं पहचान पा रही है, उस चीज को फिल्म में दिखाया गया है। अब तीसरी बात जो सिर घुमा देगी वो है ISI, द मोस्ट कॉमन टॉपिक इन एवरी स्पाई थ्रिलर। पठान, टाइगर फ्रेंचाइजी, फाइटर, ऑपरेशन वैलेंटाइन, सभी फिल्मों में एक ही मुद्दा है, हाउ टू डील विद ISI। सेम विद उलझ। इसमें भी एक सीन में एक ऑफिसर बोलता है ISI में बात खुल रही थी, मतलब यहाँ भी पाकिस्तान को मुद्दा बनाया गया है जो बहुत आम हो गया है। वही एक डायलॉग है कि एवरीवन इज सस्पेक्ट, बस एवरीवन में सुहाना भाटिया भी इंक्लूडेड है बॉस। चौथा पॉइंट है कि टाइगर 3 से कहानी का एक किस्सा मानो उलझ का हिस्सा बना दिया गया हो, और वो है गद्दार वाला हिस्सा। अब टाइगर 3 में सलमान वीडियो बनाता है और बताता है कि वो गद्दार घोषित कर दिया गया है, पर उसका ये मिशन पर्सनल हो गया है। वही उलझ में दिखा सुहाना पर गद्दार होने का आरोप रखते हैं, जिसमें कि एक सीट पे वो अपने दोस्त से कहती है तुमने मेरा सब छीन लिया है और ये बकरी अब पूरे शेर को खा जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि साड़ी से जानवी में कितना प्रेम है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्हें अपना बेमिसाल फैशन सेंस अपनी मम्मी से विरासत में मिला है। इसी के साथ एक और चीज जो उन्हें विरासत में मिली है वो है साड़ी के प्रति खास प्यार। श्रीदेवी भी अपने जमाने की साड़ी गॉडेस थी। मिस्टर इंडिया से लेकर चांदनी तक अपनी साड़ी लुक से इन्होंने न सिर्फ कई जनरेशन तक लड़कियों को साड़ी पहनने के लिए इंस्पायर किया है, बल्कि साड़ी को एक सेक्सी स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। उलझ 2 अगस्त को रिलीज हो रही है, तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे पहले कि कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए, घूम रही थी सुहाना भाटिया इस देश की सबसे। आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन रिजर्व नहीं करती। जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म उलझ का इंडिया से इंतजार पाकिस्तान को है। अब जानवी कपूर ने ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया कि पाकिस्तान भी वेटिंग लिस्ट पर है, ये तो भगवान ही जाने। पर ये बात जितनी सीधी लग रही है ना उतनी है नहीं। अब इस बात से जानवी खुश तो हो सकती है, पर ऐसे वक्त में हमारे अंदर ACB प्रत्युमन की एंट्री होती है, क्योंकि इस सब में कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। और जब हम ढूंढ निकालने पर बैठे तब हमें समझ में आया कि ये तो ट्रेलर का कमाल है। और पाकिस्तान वाले बॉर्डर के उस पार से इंतजार इसलिए कर रहे हैं, खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2 मिनट 30 सेकंड के ट्रेलर में 1 मिनट 20 सेकंड पर एक विजुअल आता है। उसमें दिखता है कि बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है, लहराते हुए झंडे नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ यानी कि PTI का जलसा है। तो यहाँ पार्टी की रैली के लिए जलसा वर्ड का यूज हुआ है। अब इमरान खान तो अभी जेल में है, तो इसी बीच उनके सपोर्टर्स उलझ के ट्रेलर को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं कि, और वो लिख रहे हैं कि वो इस फिल्म को देखने का इंतजार नहीं कर सकते। वैसे कुछ लोगों ने इस पर ऐसे कमेंट भी किए थे, कौन कौन PTI का जलसा देखने यहाँ पर आया है। तो दूसरी ओर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अब हमारे लीडर और PTI की वजह से हमें ये भारतीय फिल्म देखनी पड़ेगी। मतलब पहले तो किसी को पता भी नहीं था उलझ के ट्रेलर पर इतना रिस्पॉन्स आ रहा है पाकिस्तान की ओर से, पर किसी ने जब इन कमेंट्स की एक स्क्रीनशॉट फोटो शेयर की तब लोग ट्रेलर को देखने गए, मतलब कि उसे कमेंट सेक्शन को देखने के लिए गए। मतलब ये तो एक हिस्ट्री हो गई ना, जहां लोग कोई बात सुनकर फिल्म टीजर या फिर ट्रेलर या गाना सुनने भी जाते हैं, लेकिन यहां तो लोग कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए गए। वैसे PTI के जलसा की एक झलक देखने के लिए पूरा ट्रेलर देखा है सबने, पर फिल्म में इस सीन का क्या रेलेवेंस होगा इस पर अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
पर हम इतना तो कह सकते हैं कि जानवी कपूर अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुई है, जो ग्लैमर पर टिकी है, टैलेंट का पता लगाना बाकी है और फिर भी फिल्मों पर फिल्में मिल रही उन्हें। और अब पाकिस्तान को बिना उनके फिल्म का इंतजार है, भले ही अपने फायदे के लिए हो लेकिन है तो सही। तो उम्मीद करते हैं कि फाइटर और गदर 2 के बाद बौखलाए हुए पाकिस्तान वाले इस फिल्म के बाद रिपीट मोड में ना आ जाएं, और आए भी तो कोई सुनने वाला थोड़ी ना है यहाँ पर। खैर, पर जानवी इस फिल्म के जरिए नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आने वाली है, जो एक इंडियन फॉरेन ऑफिसर बनी है और ऐसे में नेपोटिज्म का शिकार भी हो चुकी है, यानी रियलिटी में नेपोटिज्म का खुल्ला खुल्ला जवाब देना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए अब फिल्म के जरिए शायद ट्रोलर्स को जवाब देना चाहती है, पर कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जवाब देते देते ये अपने परफॉर्मेंस की वजह से ट्रोल हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनकी फिल्म हिट होने से ज्यादा तो इनकी फिल्म को ट्रोल ना किया जाए, इसके लिए भगवान को ना भोग चढ़ाना पड़ेगा। खैर, पर 2 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है थिएटर्स में और इसे सुधांशु सारियन डायरेक्ट किया है। जानवी के अलावा फिल्म में रोशन मैथ्यू, मियांग चैंग, गुलशन दवैया, राजेश तैलंग, आदिल हुसैन और जितेंद्र जोशी ऐसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। तो देखते हैं कि इस बार जानवी कुछ बढ़िया दे पाती है या फिर नहीं। फिलहाल आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म से, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंटेल का सोर्स क्या है? हाय सर, क्या सोचा तुमने, बच जाओगे? दोस्तों, लगता है बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी ही लाइफ पर बनी बायोपिक में काम कर रही है। पीके है क्या? अरे हम पीके नहीं है, पर नेपोटिज्म और जानवी ये तो पुरानी रिश्तेदारी है ना, और अगर उनकी अपकमिंग फिल्म उलझ में यही रिश्ता ही देखने को मिलने वाली है तो फिर ये उनकी बायोपिक हुई ना। और सोचिए कितनी रियलिस्टिक एक्टिंग निकली होगी जानवी के अंदर से। तो हैरान मत होइए, क्योंकि जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म उलझ का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें कि वो बस उलझती हुई नजर आ रही है नेपोटिज्म के जाल में। तो रज, ये एक बेहतरीन पॉलिटिकल थ्रिलर लग रही है। जानवी कपूर इस पर सुहाना भाटिया की रोल में नजर आने वाली है, एक ऐसी लड़की जिस पर नेपोटिज्म के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके एक IFS ऑफिसर के तौर पर काम करने को लेकर भी लोगों को खासा प्रॉब्लम है। वैसे इस थ्रिलर में नेपोटिज्म वाली बात पर मस्त गौर किया गया है, जहाँ पर डायलॉग भी सुनने को मिलता है, ये लड़की कौन है, सरनेम के अलावा इसके पास है क्या। और ये सुनने के बाद तो बहुत हंसी आएगी, भाई इन्होंने तो डायरेक्टली बोनी कपूर पर ही तंज कस दिया। मतलब सरनेम से कुछ नहीं होता, टैलेंट से बहुत कुछ होता है। इनडायरेक्टली ये बताने के लिए एक पूरी फिल्म बनानी पड़ी क्या? हे भगवान, ए कहाँ रे तू। वैसे इस फिल्म जानवी कपूर का किरदार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के काले पक्ष को उजागर करने की कोशिश करती दिख रही है। अब कुछ ऑफिसर्स देशभक्त होने का दिखावा करते हैं जो देशद्रोही निकलते हैं। अब ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि सुहाना भाटिया एक देशभक्त है या फिर देशद्रोही है। पर इतना तो पक्का है कि ये बलि का बकरी बन जाती है और गायब भी हो जाती है, और फाइनली इस बकरी को समझ में आता है कि अब बलि देने का नहीं बल्कि लेने का टाइम आ चुका है। और ये बकरी थोड़ा बहुत डिशम डिशम करती हुई भी हमें नजर आएगी। वैसे जानवी का कैरेक्टर इसमें काफी स्ट्रॉन्ग और मल्टी डायमेंशनल लग रहा है, और लगता है कि एक्टिंग क्लासेस इन्होंने जरूर लिए होंगे, इसलिए तो लोग इन्हें सारा लिखान अन्य पांडे से ऊपर रख रहे हैं। वैसे ये बंदी है तो ठीक ठाक, और हर एक पन के जरिए हमारी उम्मीदें बढ़ा देती है, जैसे मिस्टर मिसेस माही में क्रिकेटर बनकर बढ़ा दिया था। पर फिर इसकी फिल्म में हमें बता देती है कि पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए जानवी, अब तो नेपोटिज्म का दाग मिटा ही दो। वैसे उलझ में जानवी कपूर के अलावा राजेश तैलंग, मियांग चांग, आदिल हुसैन, राजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र जोशी मुख्य किरदार में नजर आएंगे अपने बेहतरीन किरदारों के साथ। और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 2 अगस्त को आपकी नजदीकी थिएटर्स में। फिल्म देखने से पहले ट्रेलर एक बार जरूर देख लीजिए, क्या पता इस बार आप जानवी के दीवाने हो जाए। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही होगा खत्म रे बाबा, बॉलीवुड में अब क्लैश का कलेश इज वेरी कॉमन। उसी में फंस गई है 3 फिल्में, जिसमें है विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिति डोगरा की द साबरमती रिपोर्ट, तब्बू और अजय देवगन की औरों में कहां दम था, और जानवी कपूर की उलझ। ये तीनों ही फिल्म रिलीज होने वाली है 2 अगस्त को। साबरमती रिपोर्ट 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के इंसिडेंट की जांच करने वाले दो जर्नलिस्ट के बारे में पॉलिटिकल थ्रिलर है,
जिसे प्रोड्यूस शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमोल वी मोहन और अंशुल मोहन ने किया है और इसका डायरेक्शन रंजन चंदेल ने किया है। वहीं औरों में कहां दम था एक म्यूजिकल लव स्टोरी है जिसे नीरज पांडे ने बनाया है और इसमें ऑडियंस अजय देवगन और तब्बू को एज कपल देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। वहीं उलझ एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है। जानवी कपूर की फिल्म उलझ की कहानी एक देशभक्त युवा IFS अधिकारी सुहाना उर्फ जानवी कपूर की इर्द गिर्द घूमती है। सुहाना अपने परिवार में देशभक्तों की विरासत से आती है और अपने घर से बहुत दूर एक करियर परिभाषित पद पर तैनात होती है। इस दौरान वो एक खतरनाक व्यक्तिगत साजिश में उलझ जाती है। फिल्म में सुहाना को देश और अपने खिलाफ हो रही साजिश के बीच उलझी में दिखाया गया है। आप टीजर में देख सकते हैं कि सुहाना कभी छिपकर मोबाइल फोन में कुछ रिकॉर्ड कर रही है तो कभी चोरी से दस्तावेज खंगाल रही है। इसके बाद गोली की आवाज आती है और सुहाना की आवाज सुनाई पड़ती है। गद्दारी की कीमत सिर्फ जान से चुकाई जा सकती है। ऐसे में तीनों ही फिल्मों की कहानी अच्छी खासी लग रही है और लोग तीनों ही जॉनरा की फिल्मों के लिए काफी एक्साइटेड है। मैं तीनों को ही काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर हाइप की बात करें तो इसमें अजय और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था सबसे आगे है, क्योंकि इसके गाने और टीजर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी ऑडियंस की तरफ से सबसे डिमांडेड जोड़ी में से एक है। पिछले कुछ टाइम में अजय देवगन और तब्बू साथ में नजर आए थे, लेकिन ये दोनों एज कपल नजर नहीं आए थे, जिसे अब ऑडियंस एज कपल देखना चाहती है, इसलिए इनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रही है। अब इसकी अपोजिट उलझ और द साबरमती रिपोर्ट्स काइंड ऑफ सीरियस फिल्म है जिसे लोग पसंद तो करते ही है, लेकिन सेकेंड डे पर देखना। फर्स्ट डे पर औरों में कहां दम था का ही नंबर रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर सक्सेस रेट के हिसाब से ऑडियंस फिल्म देखेगी तो उलझ का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि जानवी की लास्ट धड़क को छोड़कर किसी भी फिल्म ने कोई खास कमाल नहीं किया है। और विक्रांत मैसे की लास्ट 12th फेल का तो हाल सब जानते ही है। जी हाँ, वो एक अच्छी फिल्म थी। वहीं अजय और तब्बू की लास्ट भोला और दृश्यम, दृश्यम 2, दे दे प्यार दे, इनमें ना बहुत सारी फिल्में हिट हुई है। तो 2 अगस्त को औरों में कहां दम था और द साबरमती रिपोर्ट में असली क्लैश होने वाला है। अब तीनों में से कौन सी फिल्म आप देखने वाले हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो सुहाना आपको क्या लगता है, गद्दारी, वफादारी, ये सब अल्फाज हैं सुहाना या जान लेके? जानवी कपूर ये मोहतरमा टैलेंटेड नहीं बल्कि लकी एक्ट्रेस है। जहाँ कंगना रनौत बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज में बिजी है, वहीं जानवी कपूर बैक टू बैक फिल्में करने में बिजी है। और ये आविष्कार कैसे होता है इस पर हम बात करेंगे। और मिस्टर एंड मिसेस माही के बाद अब उनकी अपकमिंग फिल्म आने वाली है जिसका नाम है उलझ। और इससे जानवी का मुकाबला डायरेक्टली उनके फादर फिगर से होने वाला है। अब हमें टैलेंट है ऐसी गलतफहमी होने वाले या फिर टैलेंट ना होने वाले लोगों के लिए ना, बॉलीवुड में एक ही फादर फिगर है और वो है करण जौहर। पर करण की फिल्म किल जैसे कि 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है, उसके साथ साथ जानवी की उलझ भी रिलीज होने वाली है, यानी कि क्लैश। पर पहले ये जानते हैं कि ये उलझ है क्या। तो जानवी की फिल्म उलझ की कहानी एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें जानवी एक IFS के किरदार में नजर आने वाली है, जिसका जीवन धोखे और साजिशों के जाल में फंसने के बाद एक बड़ा मोड़ लेता है। पर जानवी तो यही कहती है कि देश के साथ विश्वासघात की कीमत जिंदगी है, जान दे दो या किसी और की ले लो। ओह, मतलब कैरेक्टर इज साउंडिंग लाइक जस्ट वाओ। पर जानवी के केस में ऐसा बार बार हो रहा है, मतलब उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है। अब देखिए, गुंजन सक्सेना में वो इंडियन एयरफोर्स पायलट बनी थी, पर मिली में वो फ्रीजर में फंसी एक सर्वाइवर थी। उसके बाद फिल्म गुड लक जेरी में वो अपने परिवार की जरूरतों के लिए, पैसों के लिए ड्रग पेडलिंग के जाल में फंस जाती हैं, फिर वहां उसे फाइट करनी पड़ती है। उसके बाद ही करण जौहर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आई, जिसमें कि वो होती तो एक डॉक्टर है लेकिन उसके बाद वो एक क्रिकेटर बनती है। अब उलझ में वो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनेंगी, यानी जानवी कपूर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के मामले में काफी लकी रही है। बट हम अगेन यही कहेंगे कि वो बस लकी है, टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स मिलने के बावजूद भी वो उसमें शाइन नहीं कर पाई है। इसलिए तो मिस्टर एंड मिसेस माही 11 दिनों में सिर्फ 30 करोड़ रुपए कमा पाई। और उनकी बाकी फिल्मों के कलेक्शन की बात ना ही करें हम तो बेहतर होगा, क्योंकि आप सब जानते ही है। पर इतना तो जरूर है कि बैक टू बैक जानवी को ऐसे कैरेक्टर्स तो मिल रहे हैं जो लकीली ही किसी को मिलते हैं। पर भाई, इनके पिछले कैरेक्टर्स हिट नहीं गए पर भी इन्हें और ऑफर्स क्यों मिल रहे हैं? लगता है मेकर्स दिमाग सिर्फ थोड़े से पैदल है। वैसे ये लाइन तो हमें करण जौहर को भी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस माही में
उन्होंने ही तो जानवी को लिया था। पर बात यह है कि धड़क, मस्त है मिसेस माही जैसी फिल्में देकर करण जानवी कपूर का करियर बना रहे हैं, पर अब उन्हीं की फिल्म किल के अगेंस्ट जानवी कपूर की उलझ है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। अब फिल्म के जॉनरा की बात करें तो किल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि एक ट्रेन के अंदर लिमिटेड स्पेस में शूट की गई है और जिसके टीजर से सब लोगों का दिल धक धक कर रहा है, जैसे माधुरी दीक्षित को देखकर होता है। और इस फिल्म के एक्शन और वॉल्यूम्स के ऊपर साउथ कोरियन फिल्मों का भी इन्फ्लुएंस नजर आता है। तो वही दोस्तों दूसरी साइड उलझ जैसी एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। डेफिनेटली इसमें भी जानवी कपूर एक्शन करती भी नजर आएंगी, पर जॉनरा काफी डिफरेंट है। इसमें हमें नेशनलिज्म को दिखाया जाएगा, इसमें देशभक्ति मौजूद है। तो वही किल में देश का सिपाही, एक कमांडर, ये सब एक्शन करते हुए नजर आएगा। ऐसे में इनमें कौन बाजी मारेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। अब पैट्रियोटिक फिल्मों से ऑडियंस थोड़ी सी बोर हो चुकी है क्योंकि ये बायोपिक जैसा ही नॉर्मल है, इसलिए ऑडियंस में पैट्रियोटिज्म से जुड़ी फिल्मों के लिए ना इंटरेस्ट जगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर कंटेंट सही होगा तो काम तो हो ही सकता है। अभी 2024 में हमने यामी गौतम की आर्टिकल 370 देखी है, वो भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा थी। कहानी भले ही रियलिटी पर बेस्ड हो, पर उसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया, कैसे रिसर्च के साथ प्रेजेंट किया गया, इम्पैक्ट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेनली परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे यामी को ब्रिलियंट एक्टिंग के साथ साथ उसमें फुल एक्शन लेडी मोड में देखा गया, उसी तरह से जानवी को भी हम इसमें एक्शन करते हुए देखने वाले हैं। पर एक्टिंग एंड कैरेक्टर को जस्टिस इसे लेकर धक धक हो रही है। अगर दूसरी ओर हम किल को देखें तो लक्ष्य लालवानी, इस लीड एक्टर का बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है और उसमें राघव जुएल है विलन के तौर पर। और इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं रिलीज से पहले। इस फिल्म को देखने के बाद अब एनिमल का वॉयलेंस डेफिनेटली भूल जाओगे आप। और जब ऐसे पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं ना तो फिल्म का एक अच्छा खासा बस तो बन जाता है। हालांकि उलझ के साथ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि टीजर आने के बाद सब बिल्कुल शांत हो गए। वैसे करण जौहर प्रमोशन करने में भी ना सबसे आगे रहते हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किल का प्रीमियर दिखाया जा चुका है जिसे अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला है फॉरेन ऑडियंस से। ऐसे में दोस्तों इंडियन ऑडियंस की जो एक्साइटमेंट है ना वो बढ़ जाती है। पर उलझ के मामले में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मेकर्स को जोरदार प्रमोशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मिस्टर मिसेस माही का प्रमोशन आईपीएल का फायदा उठाते जानवी कपूर ने किया था और ये स्ट्रैटेजी थी करण जौहर की जो कई मायने में ना सही साबित हुई थी। वैसे आपको क्या लगता है किल और उलझ में ऑडियंस किसे ज्यादा पसंद करेगी या फिर प्रेफर करेगी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म को या फिर एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म को? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी। राजकुमार राव और जानवी कपूर बॉलीवुड के दो वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है। दोनों ने पहली बार साथ काम किया। राजकुमार की बात आती है तो उनकी कई दमदार फिल्म्स शाहिद, हिट जैसी फिल्में याद आती हैं। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माही उसमें एक दम अलग जॉनर है। ये सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, लोग इस मूवी पर भर भर कर प्यार लुटा रहे हैं। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छे रिव्यूज दिए हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी शुरुआत की। इसके साथ ही राजकुमार राव ने अपनी ही फिल्म श्रीकांत के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे तो मिस्टर एंड मिसेस माही एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर की केमिस्ट्री छा गई है। दोनों एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस के दिलों को जीत लिया है और इसका पता फर्स्ट डे कलेक्शन से साफ पता चलता है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेस माही ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ऊंची उड़ान भरी। सैकनी की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही ने पहले दिन देशभर में 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इसके साथ ही मिस्टर एंड मिसेस माही ने पहले दिन की राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। श्रीकांत ने ओपनिंग डे पर देश भर में 2.25 करोड़ की कमाई की थी। वहीं राजकुमार राव की हिट मूवी भीड़ ने भी फर्स्ट डे 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं जानवी ने अपने 6 सालों के करियर में सिर्फ धड़क ही हिट फिल्म दी है और उनकी बाकी सारी फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि रूही और गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। मिस्टर मिसेस माही की कहानी महेंद्र माही अग्रवाल के इर्द गिर्द घूमती है जो क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसका सपना पूरा नहीं हो पाता। महेंद्र के पिता उसे स्पोर्ट्स की दुकान पर बिठा देते हैं। इसके बाद महेंद्र की शादी महिमा यानी माही अग्रवाल से हो जाती है। महिमा के आते ही महेंद्र की पूरी जिंदगी बदल जाती है और फिर फिल्म की कहानी का नया मोड़
शुरू हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस माही का डायरेक्शन शरण शर्मा ने किया है, उन्होंने निखिल मेहरोत्रा के साथ मिलकर फिल्म की कहानी भी लिखी है। इसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर के अलावा राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, अरिजीत तनेजा जैसे सितारों ने अहम भूमिका निभाई है। करण जौहर, हीरो यश जौहर और अर्पूर्ण मेहता ने फिल्म का प्रोडक्शन किया है। आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। मिस्टर एंड मिसेस माही जानवी कपूर की ऐसी दूसरी मूवी है जिसमें उनका पति अपने आप से, अपने करियर से असंतुष्ट है और जानवी से शादी के बाद ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। पहले मूवी थी 2023 में वरुण धवन के साथ आई मूवी बवाल। उस मूवी में भी हीरो को छाए रहने की चाहत थी और मिस्टर एंड मिसेस माही में भी हीरो सबकी नजरों में प्रशंसा पाना चाहता है, लेकिन बवाल में वरुण धवन झूठ बोलते हैं और इस मूवी के हीरो राजकुमार राव सच बोलने में यकीन रखते हैं। हालांकि दोनों ही अपने करियर की कुछ ना कर पाने को लेकर काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं और काफी ज्यादा इरिटेटेड भी होते हैं और पत्नी जानवी कपूर पर दोनों ही मूवीज में जानवी ने बेहद स्वीट सी पत्नी का रोल अदा किया है, लेकिन सही मायने में वही दोनों फिल्मों का हीरो है। मिस्टर एंड मिसेस माही का टाइटल ही अपने में खास है और लगता है कि कहानी केवल क्रिकेट की दुनिया के यानी महेंद्र सिंह धोनी की नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर की जिंदगी से जोड़कर भी रखा गया है। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन के पात्रों दोनों का नाम ही माही, एक महेंद्र राजकुमार राव जो बने हैं और दूसरी महिमा यानी जानवी कपूर। इसी के चलते ही मूवी का नाम मिस्टर एंड मिसेस माही रखा गया है, जबकि सचिन की पत्नी अंजलि क्योंकि डॉक्टर थी इसलिए शायद इस मूवी में जानवी के किरदार को डॉक्टर दिखाया गया। हालांकि फिल्मी कहानी में असल जिंदगी से अलग कुछ ट्विस्ट डाल दिया गया है। कहानी शुरू होती है महेंद्र के फितूर क्रिकेट से, जो किसी भी तरह इंडिया की टीम में खेलकर अपना नाम बनाना चाहता है, अपने उस टीवी स्टार भाई की तरह जो किसी भी तरह चाहे सोशल मीडिया पर लाइक्स खरीद कर लाइमलाइट में रहता है, जबकि पिता भी की नजर जो है वो एक कि वो निकम्मा है और स्टेट टीम में भी सिलेक्शन ना होने पर वो माही को अपने स्पोर्ट्स की दुकान में बिठाना शुरू कर देता है। साथ ही में उसकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढनी भी शुरू हो जाती है। लड़की भी मिलती है माही यानी महिमा अग्रवाल यानी जानवी कपूर, जो MBBS टॉप करने के बाद एक बड़े डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। महेंद्र के पिता एक अच्छे सेल्समैन की तरह अपने बेटे को भी बिजनेस में अच्छी समझ की तारीफें करते हैं। बेटे को रास नहीं आती तो वो उसे सच बता देता है और उसी सच से खुश होकर माही शादी करने के लिए हाँ कर देती है। बाद में दोनों को ही पता चलता है कि दोनों को ही क्रिकेट का बड़ा वाला फितूर है। महिमा महेंद्र को फिर क्रिकेट के मैदान में उतारने लगती है, लेकिन वो लह खो चुका होता है जब महेंद्र कोच बनकर महिमा को मैदान में उतारता है और फिर लगता है कि ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी अभिमान शुरू हो गई है। मूवी में सबसे ज्यादा बेहतरीन बात है तो ये है कि राजकुमार राव और जानवी कपूर की एक्टिंग, मासूमियत और इमोशंस जाहिर करने में जानवी की वाकई में कोई मुकाबला नहीं है और राजकुमार राव तो मानो अपने किरदार में डूब जाने की हद तक घुस जाते हैं। काफी ज्यादा प्रेशर के साथ इस हद तक शायद की कोई बड़ा हीरो जाना चाहता हो या उसकी इमेज पर संकट आ जाए, लेकिन राजकुमार राव ये रिस्क लेते हैं और ये हो सकता है कि कल को राजकुमार राव को इस रोल में एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिल जा सकता है। फिल्म के निर्देशक शरण शर्मा तो जानवी कपूर स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल डायरेक्ट कर चुके हैं, रणबीर कपूर की दो फिल्मों में डायरेक्टर के सहायक रह चुके हैं, ऐसे में वो जानवी के रोल के लिए एक दूसरे ही लेवल का देख रहे थे, इसमें भी ले गए हैं। बावजूद इसके भी फिल्म क्रिकेट पर बनी है, वैसे ही हार जीत और हताशा का रोमांच और इमोशंस इस मूवी में है। ऐसे में हो सकता है बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की मूड में जो लोग इस मूवी को देखने जाएं उनको ये मूवी पसंद ना आए, लेकिन क्रिकेट लवर्स को, फैमिली ऑडियंस को या जानवी और राजकुमार के फैंस को ये मूवी शर्तिया पसंद आएगी। माना यह जा रहा है कि OTT पर जब भी मूवी स्ट्रीम होगी तब उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा क्योंकि चुनावी माहौल और भीषण गर्मी के चलते थिएटर में दर्शक वैसे भी कम आ रहे हैं, इसलिए ये मूवी सिनेमा लवर्स डे पर लाई जा रही है। इसलिए दर्शकों के लिए पहले दिन इस मूवी का टिकट भी केवल 99 रुपए रख दिया है। मूवी में अलग अलग संगीतकारों और गायकों से कई गीत हैं जो कहानी के साथ फिट होते चल जाते हैं। इमोशनल और रोमांटिक गीतों में भी अभी तक कोई लोगों को दिलो दिमाग पर चढ़ा नहीं है, लेकिन मूवी के साथ देखने सुनने पर वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। 139 मिनट की ये मूवी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। मूवी में अलग अलग संगीतकारों और गायकों के कई गीत हैं जो कहानी के साथ फिट होते चल जाते हैं। इमोशनल और रोमांटिक गीतों में भी अभी तक कोई लोगों ने दिल दिमाग पर चढ़ा नहीं है, लेकिन मूवी काफी अच्छी है। वेल, आपको मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollygrad Studio.
राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीज के साथ ही वायरल हो गई। मूवी की अनाउंसमेंट के वक्त से लेकर अभी तक बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि शायद इस मूवी का कनेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से होगा, लेकिन मूवी का धोनी की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। ये मूवी पूरी तरह काल्पनिक कहानी पर आधारित है, लेकिन हाँ, इस मूवी का महेंद्र सिंह धोनी से कनेक्शन ज़रूर है। जानवी कपूर ने मूवी से जुड़े एक इवेंट में इस बारे में बात भी की। इस इवेंट में राजकुमार राव भी मौजूद थे। जब राजकुमार राव और जानवी कपूर से पूछा गया कि क्या वो ये मूवी महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी को दिखाएंगे, तो जवाब में जानवी कपूर ने कहा, जाहिर तौर पर हम उन्हें ये मूवी दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो काफ़ी बिजी हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार ने कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। राजकुमार ने कहा कि हम क्या पूरी दुनिया उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं माही सर को और हम बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं उनसे। सवाल जवाबों का दौर आगे चला तो जानवी कपूर ने मूवी से महेंद्र सिंह धोनी से ख़ास कनेक्शन के बारे में बताया। जानवी कपूर ने कहा, हम उनसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कि वो एक क्रिकेटर हैं, बल्कि उनके मिजाज के लिए, उनके उसूलों के लिए और जिस तरह के वो इंसान हैं उसके लिए हम उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। जानवी कपूर ने ये भी कहा कि मैं एक फ़न फैक्ट यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नतीजे के बारे में नहीं है, प्रोसेस के बारे में है। अगर आप प्रोसेस में ईमानदारी दिखाओगे, मेहनत करोगे, तो नतीजा अपने आप दिख जाएगा। धोनी ने कहा था कि अगर रिजल्ट ना भी दिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जानवी कपूर ने बताया, तो ये पूरी मूवी जो है वो उस एक महेंद्र सिंह धोनी की लाइन पर बनी है। गुंजन सक्सेना फेम एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे लगता है कि हम उनकी इस एक लाइन को ठीक से सम्मान दे पाएंगे। बता दें कि मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका क्रिकेटर बनने का सपना टूट जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का भी क्रिकेट में रुझान है, यानी इंटरेस्ट है, और फिर वो अपनी पत्नी में अपने सपनों को देखना शुरू कर देता है और उसे क्रिकेटर बनाने के लिए भिड़ जाता है। मूवी में राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल्स में हैं। दोनों इससे पहले मूवी रूही में नज़र आ चुके हैं। 2021 में आई इस मूवी को बहुत खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दोनों की जोड़ी को बहुत ही पसंद किया गया था। इनके अलावा मूवी में अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीन वाहब और भट्टाचार्य भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो आप कितने एक्साइटेड हो बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। बाय बाय। तो भाई क्या चल रहा है? अरे अब ये मत कहिएगा कि हमारे देश में फॉग चल रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना जोक हुआ ना। पर फिलहाल तो देश में आईपीएल चल रहा है। वैसे अब आईपीएल चल ही रहा है तो करण जौहर ने सोचा, चलो हमारी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को इसी दौरान रिलीज करते हैं, जिसका क्रेज लोगों में आ चुका है। और ट्रेलर देखने के बाद पहला रिएक्शन हमारा ऐसा था कि भाई सारी स्टोरी तो तुमने ट्रेलर में ही बता दी, सस्पेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। माही भैया को ज़रा देखो, जब स्टेडियम शांत होता है, सस्पेंस बनता है, तो लास्ट में वो मारते एक ऐसा शॉट कि पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, वो तो द ग्रेट MS धोनी है। वैसे ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक्ट्रेस जानवी कपूर और राजकुमार राव एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी हॉबीज़ के बारे में बातें करते हैं, मतलब इनकी अरेंज मैरिज हो रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के नाम ही माही हैं। अब इन दोनों के नाम माही इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों भी क्रिकेट लवर्स हैं। जानवी कपूर इन दिनों अपनी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर लगातार सुर्खियों में तो छाई हुई हैं, ये तो सभी जानते हैं। जानवी इस मूवी को प्रमोट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। जानवी मूवी का प्रमोशन करने के दौरान अपने बयानों को लेकर भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। अब हाल ही में अभिनेत्री ने राजकुमार राव के साथ इंटिमेट सीन देने पर चुप्पी तोड़ी है। हाँ ये जानते हैं कि अभिनेत्री ने क्या कहा है। जानवी और राजकुमार शरण शर्मा निर्देशित इस मूवी में पति पत्नी के रूप में नजर आएंगे। हाल ही में मिस्टर एंड मिसेस माही के निर्माताओं ने आस्क मी एनीथिंग
सेशन आयोजित किया था जिसमें अभिनेत्री ने अपने ये सह कलाकार की प्रशंसा की। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वे दोनों अपने रोमांटिक किसिंग सीन की शूटिंग से पहले थक गए थे। एक फैन को जवाब देते हुए जानवी ने कहा कि 20 घंटे की शिफ्ट के बाद वे अंदर ही अंदर मर रही थीं और यही वो समय था जब हमें इंटरमेट सीन शूट करना था। अभिनेत्री ने कहा, मूवी में मेरे और राज के रोमांटिक पलों में से अधिकांश में हम पूरी तरह से थके हुए थे। मुझे लगता है कि हमारा पहला रोमांटिक पल 20 घंटे की शिफ्ट के बाद था और हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि हम मर चुके हैं। हमारे पेट खराब थे, हमारे शरीर टूटे हुए थे और फिर हमें ऐसा दिखाना था कि हम प्यार में पड़ रहे हैं और हम अपना पहला किस करने जा रहे हैं, लेकिन सच में हमें ऐसा लग रहा था कि हम अंदर ही अंदर मर चुके हैं। राजकुमार राव के साथ फिर से काम करने को लेकर जानवी ने कहा, रूही के दौरान हम एक दूसरे के साथ अधिक कॉमेडी रोमांटिक सीन्स करना चाहते थे। हमें इस मूवी में भी वही चीज़ें करने का मौका मिला है। मैं हमेशा से राजकुमार राव की प्रशंसक रही हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है। जानवी ने आगे कहा, जिस तरह हमारे किरदार महिमा और महेंद्र ने मूवी में एक दूसरे का समर्थन किया, राजकुमार ने भी शूटिंग के दौरान मेरी ठीक उसी तरह मदद की। उन्होंने मुझे ताकत दी और मुझे विश्वास है कि मैं उनकी वजह से एक बेहतर आर्टिस्ट और हीरोइन बन पाऊंगी। खैर, यहाँ तो मिस्टर और मिसेस माही ने एक दूसरे की हेल्प कर दी, अब आप अपने पार्टनर्स को थोड़ा हेल्प कर दो। इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, उन्हें ले जाओ थोड़ा 3 घंटे के शो के लिए मस्त एसी में, पॉपकॉर्न खाओ और अपने रोमांटिक पल इस रोमांटिक मूवी के साथ बिताओ। अब आप बताओ, आप जाओगे ये मूवी देखने या नहीं, बताओ मैं कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय। IPL एंड T20 का अच्छा खासा फ़ायदा उठाने के मूड में अगर कोई है तो वो करण जौहर, राजकुमार राव और जानवी कपूर हैं, क्योंकि उनकी मूवी आ रही है मिस्टर एंड मिसेस माही, क्रिकेट के क्रेजीएस्ट माहौल में कमाई करने और साथ ही एंटरटेन करने। वैसे मिस्टर एंड मिसेस माही का बर्ज है उसके ट्रेलर और गानों की वजह से, जिसमें अब तक हमने कई सारे गाने सुने, पर इसके टोटल 7 गाने हमें सुनाई देंगे और उम्मीद है कि करण की सुपरहिट फैमिली ड्रामाज और मैजिकल म्यूजिक की तरह ये भी मैजिकल होगा, जिसमें पहला गाना है रांझना। ये गाना हमें प्रोबेबली रिलीज के बाद ही सुनने को मिलेगा, पर द सॉन्ग डिपिक्टिंग अ लवर्स क्वेरल इज पिक्चराइज्ड ऑन राजकुमार राव एंड जानवी कपूर, यानी इन लव बर्ड्स के बीच की थोड़ी सी टकरार। और ये गाना बनाया गया है और इसे कंपोज किया है ध्रुव भल्ला ने, जो ओई लकी लकी ओई और घोसला का घोसला के कंपोजर हैं, और इसमें उनका साथ दिया है राइटर देवेंद्र काफिर ने एंड सिंगर कविता सेठ ने। पर ये गाना एक्चुअली धर्मा के लिए लिखा नहीं गया था, ये पहले पंजाबी में लिखा गया था और फिर शेषांक खेतान, जो करण के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं यानी बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने ध्रुव को सजेस्ट किया कि वो इस गाने को किसी और मूवी में यूज़ करेंगे और इसे डुएट सॉन्ग बनाएंगे। तो इसी तरह वो मिस्टर एंड मिसेस माही में यूज़ कर लिया गया। अब दूसरा गाना है जो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, वो है तू है तो। इसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। अरे यार, मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं ये गा नहीं रही हूँ, मैं गाऊंगी तो आप लोग सब भाग जाओगे, इसलिए मैं गाना नहीं गा रही, जस्ट लिरिक्स पढ़ दे रही हूँ। और ये गाना गाया है सिंगर नीति मोहन ने और गाने के लिरिक्स और नीति की आवाज़ बता दी है कि इस इमोशनल ट्रैक इमोशंस जानवी की तरफ से आ रहे हैं अपने प्यारे हस्बैंड के लिए, और इसी लिरिक्स के साथ एक मेल वर्जन सॉन्ग भी बनाया गया है। तो ये एक और गाना है मूवी का। अगला गाना है जुनून है। इस गाने को सुनकर शायद आपको लगेगा कि कोई इमोशनल सैड सॉन्ग होगा, पर ऐसा नहीं है। गाने को सुनने के बाद बिल्कुल एक रॉकिंग फीलिंग आएगी और ड्रम गिटार का फ्यूजन सुनाई देगा, एक लाउड एनर्जी सुनाई देगी, क्योंकि ये गाना मोटिवेशन के तौर पर बनाया गया है कि भाई हमारे अंदर जुनून है और हर हाल में हम डरने वालों में से या जमाने के डर से पीछे हटने वालों में से तो ब्रो नहीं है। अब अगला गाना है रोया जब तू। ये गाना हमें सुनाई देता है विशाल मिश्रा की आवाज़। आय हाय हाय, विशाल मिश्रा की आवाज़ में ये गाना, यानी भाई मस्त। वही विशाल मिश्रा जिनकी आवाज़ हमने सुनी है एनिमल में,
कबीर सिंह में सुनी है, जो अपने हार्ट टचिंग मेलोडियस वॉइस के साथ इमोशंस को छू जाते हैं और हमारे दिल को भी। वैसे ये गाना भी हाई इमोशंस और इसमें ट्रिबे प्यार को दिखाता है। जाहिर तौर पर ये इमोशनल लव स्टोरी है, तो इसके अंदर रोमांस और टकरार दोनों ही देखने को मिलेगा। अगला गाना है अगर हो तुम। अगर हो तुम का वीडियो महेंद्र यानी राजकुमार राव और महिमा यानी जानवी कपूर के बीच क्रिकेट के लिए आपसी प्यार को दर्शाता है। ये बताता है कि आपको हमेशा अपने माँ बाप के सपनों के लिए नहीं जीना है, अपना जियो। अगर हो तुम के शब्द कौसर मुरीन ने लिखे हैं और गाने को जुबिन नौटियाल ने गाया है। और आखिरी गाना जो सबसे पहले रिलीज हुआ था, देखा तेनू पहली बार में। देखा तेनू राजकुमार राव और जानवी कपूर के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से ब्यूटीफुली दिखा रहा है। वैसे मूवी कभी खुशी कभी गम के देखा तेनू पहली पहली बारहवीं का ये रिक्रिएटेड वर्जन है, पर ये पहला गाना आया है और उसके बाद इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है कि क्रिकेट की भाषा में कहें तो इसने पहले ही बॉल पर सिक्सर छक्का मार दिया। तो ऐसे में मूवी के टोटल हो गए 7 गाने। तो मूवी में टोटल आधा घंटा पूरा इस गानों ने कवर कर लिया है। और जैसे कि इसके सिचुएशनल गाने, लिरिक्स, म्यूजिक, सिंगिंग स्टाइल दिखाता है उसे, तो ये बढ़िया म्यूजिक एल्बम होगा इस साल हम फैंस के लिए। खैर, अब आप बताओ इन 7 गानों में से आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, बताओ हमें कॉमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा। 2024 में साउथ की मूवी हनुमान और बॉलीवुड मूवी फाइटर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मूवी ना बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। कई फिल्मों को तो अच्छे अवसर मिले, लेकिन उन अवसरों में भी फिल्में नहीं कमा सकी। अच्छे अच्छे कंटेंट की फिल्में भी ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर सकी। ना तो मसाला फिल्में चली, ना ही कॉमेडी ही रास आई। अब तक 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 2023 की तुलना में 2024 काफ़ी फीका जा रहा है। मगर अब धीरे धीरे संभावना बननी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर बाहर आने जा रही है। इसकी शुरुआत जानवी कपूर और अपनी मिस्टर एंड मिसेस माही से कर रही हैं। इस मूवी की खास बात ये है कि ये मूवी क्रिकेट पर बेस्ड है, और भारत में क्रिकेट का क्रेज़ कैसा है ये तो भाई ये सभी जानते हैं। लेकिन 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 यहाँ इस मूवी के चलने की सिर्फ एक ही वजह नहीं है, बल्कि कई वजह हैं। आइए 5 पॉइंट्स में जानते हैं कि कैसे जानवी कपूर की फिल्म सुपरहिट होने का मादा रखती है। भारत में तो साल भर क्रिकेट का माहौल रहता है, और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा T20 पसंद किया जाता है। हाल ही में IPL ख़त्म हुआ है और कुछ दिनों में ही T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ऐसे में क्रिकेट की चहल पहल के बीच ही जानवी कपूर और राजकुमार राव की मूवी आ रही है। ये मूवी भी क्रिकेट पर बेस्ड है और वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ावा देती नजर आएगी। मूवी में 2 बड़े स्टार्स हैं, क्रिकेट का प्लॉट है और रोमांस भी भरपूर है। ऐसे में फिल्म में दर्शक कनेक्ट कर पाएंगे इस मूवी से ईजिली और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। राजकुमार राव और जानवी कपूर पहले भी साथ में नजर आ चुके हैं, दोनों रूही में दिखे थे। मूवी के फायदे और नुकसान को छोड़ अगर सिर्फ ऑन स्क्रीन कपल की केमिस्ट्री की बात की जाए ना, तो इसे फैंस ने पसंद किया था और दोनों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला था। ऐसे में दोनों एक बार फिर से एक दूसरी मूवी का हिस्सा हैं। चुनाव के दौरान ऐसा देखा गया कि ना तो ज़्यादा फिल्में ही रिलीज़ हुई हैं, और जो हुई भी उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा कलेक्शन नहीं किया है। मतलब होता है टॉप नोट हो रहा है भाई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2023 में तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी, बट यहाँ नहीं हो पाया ना 2024 में। ऐसे में सिनेमाघरों में ज़्यादा फुटफॉल्स देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा फुटफॉल्स का मतलब ही यही है कि ज़्यादा ऑडियंस मूवी देखने आएंगे। मूवी को काफ़ी समय से प्रमोट किया जा रहा है। खुद जानवी कपूर और राजकुमार राव ने IPL मैच के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और मूवी का प्रमोशन किया। मूवी को इनोवेटिव तरह से प्रमोट किया जा रहा है। ऊपर से 31 मई को ही सिनेमा लवर्स डे भी है। ऐसे में मूवी के टिकट्स 99 रुपीज़ में मिलेंगे, मतलब पहले दिन ही फैंस की मौज ही मौज है। ऐसे में ओपनिंग डे पर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए आ सकती है। जानवी कपूर ने 5-6 सालों में ही अपनी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग बना ली है। एक्ट्रेस ने अपनी
एक्टिंग से भी फैंस को इम्प्रेस किया है। ऐसे में जानवी कपूर की फिल्मों का इंतजार फैंस को तो हमेशा से रहता है। उनकी पिछली मूवी 2022 में आई थी, जिसका मतलब कि थिएटरों में एक्ट्रेस को किसी मूवी के रिलीज होते हुए 18 साल का वक्त हो गया है। अब 18 साल के गैप के बाद जानवी कपूर थिएटर में फिर से वापसी कर रही हैं। ऐसे में इस मूवी को देखने के लिए एक्ट्रेस की फैंस की जमात नजर आएगी। वैसे राजकुमार राव की फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है बेड़ू, और उनकी एक्टिंग देखने के लिए भी ऑडियंस थिएटर में आना पसंद करती है। तो अब यहाँ पर आपको बताना होगा ना कि आप जानवी के फैन हो, राजकुमार के फैन हो, या मिस्टर एंड मिसेस माही के टाइटल के फैन हो, आप जाते हो किस रीज़न से, ये आपकी आप पर डिपेंड करता है ना। तो खैर अब आप बताओ, आप इस मूवी को देखने जाओगे या नहीं, बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे, टाटा। एक्टर राजकुमार इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। उनकी मूवी श्रीकांत थिएटर में लगी है। मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले हैं। हालांकि कमाई के मामले में मूवी स्लो चल रही है। मूवी ने ओपनिंग वीकेंड पर 11.7 CR की कमाई की थी। अभी तक मूवी तकरीबन 16 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। वहीं इसी बीच राजकुमार राव ने अपनी अपकमिंग मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन भी स्टार्ट किया। राजकुमार राव के लिए मूवी का हिट होना उनके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने लंबे अरसे से कोई हिट मूवी दी ही नहीं है। राजकुमार राव ने 2010 में मूवी लव सेक्स धोखा से डेब्यू किया था। ये मूवी सेमी हिट थी। इसके बाद उनकी मूवी रागनी MMS रिलीज हुई और ये भी सेमी हिट रही। इसके बाद राजकुमार राव की लाइफ में फिल्मों के हिट फ्लॉप होने की स्टार्टिंग हो गई। राजकुमार अब तक 19 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं। इस लिस्ट में चिट्टागोंग, शाहिद, सिटी लाइट्स, डॉली की डोली, अलीगढ़, ट्रैप्ड, बहन होगी तेरी, शादी में ज़रूर आना, फने खान, लव सोनिया, पांच वेडिंग्स एंड एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जेंटलमैन है क्या, मेड इन चाइना, शिमला मिर्च, रूही, बधाई दो, हिट दी फर्स्ट केस और भीड़ जैसी फिल्में फ्लॉप रह चुकी हैं। हालांकि इनमें से कुछ फिल्मों को क्रिटिकली सराहा गया था, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही नहीं दिखा पाई। पिछले 6 साल में राजकुमार राव की अभी तक एक भी मूवी हिट नहीं हुई है। उन्होंने लगातार 10 फ्लॉप फिल्में दी। उनकी पिछली हिट मूवी 2018 में आई थी स्त्री। बता दें कि मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को रिलीज होगी। वही जानवी इस मूवी को प्रमोट करने का भी एक भी मौका नहीं छोड़ी है। हालांकि अभी तक अगर अभिनेत्री की फिल्मों पर नज़र डालिए तो जानवी की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। अब जानवी ने अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। ये जानते हैं कि अभिनेत्री ने क्या कहा है। राजकुमार राव के साथ अपनी आगामी प्रेम कहानी मिस्टर एंड मिसेस माही में क्रिकेटर महिमा की भूमिका निभाने वाली जानवी कपूर का दावा है कि ये कोई स्पोर्ट्स मूवी नहीं है। दी फ्री प्रेस जर्नल के एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने अपनी बॉक्स ऑफिस असफलताओं के बारे में बातें की, अपनी ODD फैन बेस के बारे में भी खुलकर बात की हैं। इंटरव्यू में अभिनेत्री से पूछा गया कि आपको हर बार अलग अलग भूमिकाएं चुनने के लिए क्या इंस्पायर करता है। इस पर जानवी ने कहा, मैं अपने काम के लिए लगातार मान्यता चाहती हूँ। मेरी आखिरी हिट मूवी मेरी डेब्यू मूवी धड़क थी। रूही महामारी के दौरान रिलीज हुई थी, लेकिन क्योंकि हमने 50% क्षमता के साथ रिलीज़ किया था, इसलिए ये उस समय के लिए एक सफलता थी। जब तक मेरी फिल्मों को अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं मिलेंगे, तब तक मैं नहीं मानूंगी कि मैं अच्छा कर रही हूँ। जानवी से आगे पूछा गया कि क्या आपने मिस्टर एंड मिसेस माही को एक खेल मूवी के तौर पर साइन किया था। इस पर जानवी कपूर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एक क्रिकेट बेस्ड मूवी है। कुछ क्रिकेट फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। हमें बताया गया है कि IPL और विश्व कप के बीच में हमारी मूवी को रिलीज़ करना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। साथ ही मेरी मूवी कोई क्रिकेट मूवी नहीं है, ये एक लव स्टोरी है और सपनों के बारे में है। मूवी में जानवी कपूर फीमेल लीड रोल में होंगी। इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। मूवी को बड़े लेवल पर रिलीज की तैयारी है। इसी के साथ IPL के माहौल में स्पोर्ट्स ड्रामा के हिट होने के चांसेस बने हुए हैं। देखना मज़ेदार होगा कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है और राजकुमार राव को उनकी
मन लायक कीमत मिलती है। मन लायक कीमत कहने का मतलब बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट होगी तो कोई भी आगे चलकर उनकी मूवी उनको अगर मिलती है तो उन्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। तो भाई ये मूवी हिट होना राजकुमार और जानवी दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खैर बाप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। मिस्टर एंड मिसेस माही ये मूवी इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। बता दें इस मूवी में राजकुमार राव और जानवी कपूर की जोड़ी दर्शकों को नजर आने वाली है। जब से मूवी का टीजर ट्रेलर दर्शकों के सामने आया था तब से मूवी के रिलीज को लेकर ऑडियंस में एक्साइटमेंट दो गुना हो चुका है। वहीं ये मूवी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि अभी तक इस मूवी के एडवांस बुकिंग का कलेक्शन कैसा रहा है। अगर मूवी के एडवांस बुकिंग की बात करें तो जब से एडवांस बुकिंग ओपन हुई तब से इसे अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं PVR, INOX, Cinepolis जैसे टॉप नेशनल चेन्स में 10,000 टिकट्स बिक गए। बता दें मूवी को रिलीज होने के लिए 2 दिन जब बाकी थे और ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस थे, ये उम्मीद जताई जा रही है। दर्शकों को राजकुमार राव जानवी कपूर की जोड़ी मूवी में बहुत ही अच्छी लगी। बता दें मूवी के PVR INOX के 6500 टिकट्स और 3500 टिकट्स सिनेपोलिस के बिक चुके हैं। इस मूवी को सिनेमा लवर्स डे के मौके पर रिलीज किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि मूवी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बता दें इस दिन टिकट का प्राइस 99 रुपीज़ है। बड़ी स्क्रीन का मजा लेने के लिए अपने कैलेंडर में शुक्रवार 31 मई को जरूर मार्क कर लीजिए। सिनेमा लवर्स डे पर हिस्सा लेने वाले सिनेमाघरों में सिनेमा टिकट सिर्फ 99 में मिलेंगे। आप नई रिलीज देख सकते हैं या अपनी पसंदीदा फिल्मों को फिर से कम दाम में देख सकते हैं। ये डिस्काउंट फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुश्किल दौर के बाद किया जा रहा है। पहली तिमाही में हिंदी और दूसरी भाषाओं की फिल्मों को ऑडियंस का ध्यान खींचने में नाकामयाबी मिली। हॉलीवुड फिल्मों की कम रिलीज ने भी टिकट्स की बिक्री को प्रभावित किया। साथ ही हो रहे राष्ट्रीय चुनावों ने भी नई फिल्मों की रिलीज को प्रभावित किया है। इस बार सिनेमा लवर्स डे 4,000 से ज़्यादा सिनेमाघरों में मनाया जाएगा, जिनमें PVR, INOX, Cinepolis, मिराज, सिटी प्राइड, एशियन, मुक्ता, A2, मूवी टाइम, मूवी मैक्स, वेव, M2K, डिलाइट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आप बुक माई शो जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुकिंग कर सकते हैं या सीधे सिनेमा की वेबसाइट काउंटर पर जाकर टिकट ले सकते हैं। याद रखिएगा 99 की कीमत सभी फिल्मों पर लागू होती है, लेकिन प्रीमियम फॉर्मेट यानी IMAX आदि को छोड़कर ऑनलाइन बुकिंग करने पर थोड़ा अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इस शुल्क से बचने के लिए आप सीधे सिनेमा के काउंटर पर जाकर टिकट ले सकते हैं और मूवी का मज़ा ले सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही की बात करिए तो एक शादीशुदा कपल की कहानी है जिनको क्रिकेट खेलने के साथ देखने दोनों में इंटरेस्ट होता है। जानवी कपूर मूवी में डॉक्टर के किरदार में नज़र आई हैं, लेकिन बाद में वो अपना क्रिकेट खेलने का सपना पूरा करती हैं। ये प्यारी सी लव स्टोरी होने वाली है। सेलेब्स को भी मिस्टर एंड मिसेस माही बहुत ही पसंद आ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। सिनेमा लवर्स डे की बात की जाए तो इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी। उस वक्त सभी फिल्मों के टिकट 75 रुपीज़ में बिके। फिर साल 2023 में दूसरा सिनेमा लवर्स डे मनाया गया। इसे भी पब्लिक ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। अब इस साल 23 फरवरी को पहले ही सिनेमा लवर्स डे मनाया जा चुका है। इस दौरान यामी गौतम की मूवी आर्टिकल 370 रिलीज हुई थी, लेकिन इस साल सिनेमा लवर्स के लिए खास दिन एक बार फिर से मनाया जाएगा। इस बार 31 मई को है जिस दिन जानवी की मूवी आ रही है मिस्टर एंड मिसेस माही। तो आप ये 99 रुपीज़ का मज़ा लेने के लिए तो जाओगे ही और अपनी सुपरस्टार जानवी कपूर और हमारी टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव को भी देखोगे। तो अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर और मिसेस माही को 99 रुपीज़ में देखने के लिए। बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, टाटा। हॉलीवुड मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मूवी में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में नजर आएंगे। मूवी के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यूज भी मिल चुके हैं, जिसके बाद से ही मूवी के रिलीज का फैंस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जानवी और राजकुमार राव की ये एक साथ दूसरी मूवी है।
इससे पहले दोनों मूवी रूही में एक साथ दिख चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही का बीते कुछ समय से दमदार प्रमोशन भी चल रहा है। जानवी और राजकुमार अपनी इस मूवी को एक बॉक्स ऑफिस हिट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच यहाँ हम उन 7 वजहों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ये मूवी आपको बड़े पर्दे पर देखनी चाहिए। आइए यहाँ नज़र डालते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही के डायरेक्टर शरण शर्मा की दूसरी ही मूवी है। इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की ही मूवी गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। इस मूवी में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी। मूवी को सीधा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। बावजूद इसके मूवी को मास ऑडियंस से काफ़ी प्यार मिला था, जिसके बाद अब जानवी और शरण एक बार फिर अपनी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए लौट चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को बनाया गया है। धर्मा प्रोडक्शन के ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डालिए तो उनकी फिल्में अक्सर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होती हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही भी एक सिंपल कहानी के तौर पर रिलीज की जा रही है जो ऑडियंस को एक बेहतरीन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दे सकती है। ऑडियंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ ही इंस्पायरिंग कहानी भी पसंद करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर देखिए साफ हो गया है कि मूवी एक बेहतरीन मैसेज लेकर दर्शकों को इंस्पायर करने के लिए तैयार है। मूवी में राजकुमार राव और जानवी कपूर एक ऐसे पति पत्नी के तौर पर नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे के ड्रीम अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं और ज़िंदगी में बड़ा रिस्क भी लेने की तैयारी में रहते हैं। IPL 2024 ख़त्म हो गया है, हालांकि क्रिकेट लवर्स के लिए मनोरंजन तो जारी रहने वाला है। शरण शर्मा की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी में क्रिकेट का तड़का लगाने वाली है। अगर आपको भी क्रिकेट देखना बहुत ही पसंद है तो ये मूवी भी ज़रूर देखनी चाहिए। जानवी कपूर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म शूट करने के लिए क्रिकेट की प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। जानवी कपूर और राजकुमार राव की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही में धर्मा प्रोडक्शन का म्यूजिक टच साफ नज़र आ रहा है। मूवी में मौजूद रीमेक सॉन्ग देखा तेनू पहली पहली बार वेने दर्शकों की पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। इसके साथ ही इस मूवी में अगर हो तुम, रोया जब तू, तू है तो, जुनून है और रांझना भी मौजूद है। बड़े पर्दे पर ये गानों आपको एक धर्मा प्रोडक्शन की मूवी वाला फील देने वाले हैं। धर्मा प्रोडक्शन की ज़्यादातर फिल्मों की तरह ही मिस्टर एंड मिसेस माही भी एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर साबित होगी। मूवी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं और मूवी की ये बात इसे और भी ख़ास बनाती है। मूवी के ट्रेलर में परिवार के रिलेशंस, पति पत्नी के रिश्तों जैसे टॉपिक पर ख़ास जोर दिया गया है। आज की जनरेशन के लिए प्यार के कई अलग अलग मायने हो गए हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही एक पति पत्नी के तौर पर दो लोगों के रिश्तों पर भी एक नई रोशनी डालने का काम करी है। मूवी दिखाती है कि हम जिस इंसान को प्यार करते हैं उसे ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। दो प्यार करने वाले लोगों के लिए भी एक परफेक्ट वॉच साबित हो सकती है। तो अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ही प्यार करते हो और उनके ड्रीम को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हो तो ये मूवी आप दोनों के लिए बिल्कुल सूटेबल होगी। जाओ और देख कर आओ। बाय बाय। IPL मैच के बीच हो या सोशल मीडिया, इन दिनों हर जगह सिर्फ और सिर्फ जानवी कपूर ही छाई हुई हैं और वो अपनी आने वाली मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन भी कर रही है। इस मूवी में जानवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में नजर आएंगे और इसका ट्रेलर काफ़ी पसंद भी किया गया है। अब खबर आई कि मिस्टर एंड मिसेस माही के डिजिटल राइट्स किसने खरीदे हैं और ये किस किस OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज किए जाएंगे। मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि थिएटर्स के बाद फिल्में OTT पर आती ही हैं तो मिस्टर एंड मिसेस माही भी OTT पर आएगी। नेटफ्लिक्स इंडिया ने जानवी कपूर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसके कैप्शन में लिखा, जानवी कपूर I am क्लीन बोल्ड। ये OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से इशारा है कि जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। फिलहाल इस मूवी का आनंद फैंस थिएटर्स में 31 मई से उठाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले आने वाली मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम की जाएगी।
बस इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई खुलासा नहीं है। मूवी का कलेक्शन इस बात को तय करेगा कि मूवी OTT पर कब आएगी। दरअसल अगर किसी मूवी को थिएटर्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उस मूवी को OTT पर थोड़ा लेट रिलीज़ करते हैं, लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे OTT पर रिलीज़ कर दिया जाता है। मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर कहा जा रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बता दें, धर्मा प्रोडक्शन में बनी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। इस मूवी में जानवी कपूर और राजकुमार राव के अलावा जरीना वाहब, हिमांशु जयकर, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, अभिषेक बैनर्जी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। मई के महीने में नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी फिल्में और सीरीज रिलीज हुई थी। दरअसल OTT पर क्राइम थ्रिलर, सुपर नेचुरल, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुई। ऐसे में अगर आप OTT पर कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं और आने वाले दिनों में अपने दोस्तों के साथ बिंज वॉच का प्लान बना रहे हैं तो आप इन सीरीज को अपना एंटरटेनमेंट का जरिया बना सकते हैं। हीरा मंडी दी डायमंड बाजार, संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी वेब सीरीज हीरा मंडी दी डायमंड बाजार 1 मई के दिन रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में मनीषा कोयराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मिन सहगल नजर आए हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसमें लाहौर के हीरा मंडी के रेड लाइट एरिया में रहने वाली तवाइफों के बारे में बताया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने हिट मेकिंग स्टूडियो यशराज फिल्म्स के साथ अपनी साझेदारी के तहत अगले 3 प्रोजेक्ट भी प्रदर्शित किए हैं। नेटफ्लिक्स के अनुसार संगठन की आगामी श्रृंखला मंडला मर्डर्स एक अपराध थ्रिलर है जहाँ खलनायक पीड़ित उत्तरजीवी और जासूसी सभी जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। अवधि फीचर महाराज, इस बीच जुनैद खान और जयदीप अहलावत अभिनित हैं और इसे किसी भी कीमत पर सच्चाई का पीछा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, मानव जाति की भावना के लिए एक शोध कहा जाता है। और अनुपम खेर की मूवी विजय 69 को ट्रायथलॉन में भाग लेने वाले एक उम्र दराज व्यक्ति के जीवन पर आधारित एक विचित्र फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। ये कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जो ऑडियंस बहुत ही मज़े से इन्जॉय करी हैं और अब अगर बारी है तो वो है राजकुमार और जानवी कपूर की मूवी की, यानी मिस्टर एंड मिसेस माही की। आप इसे कहाँ और कहाँ नहीं देखना पसंद करोगे? OTT पर देखोगे, थिएटर में जाओगे? बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही आ रही है। इस मूवी में एक गाना है देखा तेनू, जो कि कभी खुशी कभी गम के गाने शावा शावा का रिमिक्स यानी रिक्रिएटेड वर्जन है। जब से गाना रिलीज हुआ है इसे पसंद किया जा रहा है, सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि बहुत सारे रील्स भी बन रही है। मगर इस गाने को बनाने के पीछे एक बड़ा झोल हो गया। हुआ ये कि ओरिजिनली ये गाना उदित नारायण ने गाया था, इसलिए इस गाने को रिक्रिएटेड वर्जन भी उनसे ही गवाने की कोशिश की गई। मगर उदित ने पहले मेकर्स को 4 महीने लटकाए रखा, फिर भी नहीं गाया। वो गाना मोहम्मद फैज़ नाम के सिंगर से गवाया गया। हालिया इंटरव्यू में जब उदित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गलती से उनसे ये गाना छूट गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये करण जौहर की मूवी के लिए ही तैयार किया जा रहा है। News 18 के साथ इंटरव्यू में उदित नारायण से पूछा गया कि उन्होंने ये गाना क्यों नहीं गाया। इस पर उदित ने कहा, ये मेरी गलती है, वो लोग मुझसे ही ये गाना गवाने वाले थे, ये सही बात है, उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया, फिर 4 महीने तक इंतज़ार भी किया, साफ तरीके से बातचीत नहीं हो पाने के कारण मैं ये गाना नहीं गा पाया। उदित नारायण ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ये गाना करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली मूवी के लिए ही है। उन्हें लगा कि कोई नया कंपोजर है जो उनके गाने को डिग्रेड करना चाहता है। उदित कहते हैं, मुझे बताया गया था कि ये गाना राजकुमार राव की मूवी के लिए रिक्रिएट किया जा रहा है। गलती वहाँ हुई कि जिसने फ़ोन किया वो ये क्लियर ही नहीं कर रहे थे कि सेम गाना जो मैंने गाया था वो रिक्रिएट करना है मुझे। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि ये करण जौहर की मूवी है। मुझे लगा कि कोई नया कंपोज़र है जो इसे दोबारा बना रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरी चूक है, मैं कन्फ्यूजन में था, मगर मुझे याद है कि उन्होंने मेरा इंतज़ार किया था। सिर्फ इंतज़ार ही नहीं, बहुत ही इंतज़ार।
मुझे इस कहानी का हिस्सा बनाना चाहते थे वो लोग। अगर मुझे पूरी बात पता होती तो मैं ऐसा कतई नहीं करता। उदित इस बातचीत में आगे जोड़ते हैं, कम्युनिकेशन सही नहीं मिला लेकिन कोई बात नहीं, एक नए सिंगर ने वो गाना गाया, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। एक तरफ मुझे बुरा लग रहा है नो डाउट, और दूसरी ओर मैं खुश हूँ कि एक नए सिंगर को गाना गाने का मौका मिला। मुझे काम करना बहुत ही पसंद है। मेरा मानना है कि मेरे जो भी गाने रिक्रिएट हो रहे हैं मैं उन्हें गाना पसंद करूँगा। वो सभी गाने फिर से पॉपुलर हो गए हैं, मुझे वो मौका नहीं गंवाना चाहिए था, मगर किसी तरह गलती हो गई। अच्छी बात ये है कि एक समय पर जो गाना मैंने गाया था उसे रिक्रिएट किया गया और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लोग उन गानों को फिर से सुनना चाहते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। उदित नारायण के कई गाने रिक्रिएट किए गए, इसमें सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, टप टप बरसा पानी, मैं खिलाड़ी तो अनारी 2.0, पापा कहते हैं मैं निकला गड्डी लेके, और उड़ जा काले कावा जैसे गामन शामिल है। इन सभी गानों के रिक्रिएटेड वर्जन को भी खुद उदित नारायण ने ही गाया है। जहाँ तक बात रही देखा तेनू पहली पहली बार के रिक्रिएशन की, तो इसे मोहम्मद फैज़ ने गाया है। कई चर्चित पंजाबी गाने बना चुके रानी ने लिखा और कंपोज किया। दरअसल शावा शावा गाने की सिर्फ एक हुक लाइन देखा तेनू को मिस्टर एंड मिसेस माही के गाने में इस्तेमाल किया गया है, बाकी गाना टोटली डिफरेंट है ब्रो। इस मूवी में राजकुमार राव, जानवी कपूर के साथ कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा और जरीना वाहब जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस मूवी को शरण शर्मा ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले जानवी के साथ गुंजन सक्सेना दी कागल गल बना चुके हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगामी मूवी 2021 की हॉरर कॉमेडी रूही के बाद दोनों अभिनेताओं को फिर से एक साथ लाएगी। मिस्टर एंड मिसेस माही एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो महिमा और महेंद्र की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। ये सब तब शुरू होता है जब दोनों अरेंज मैरिज करते हैं और बाद में राजकुमार राव जानवी कपूर के सबसे बड़े चीयरलीडर बन जाते हैं। 31 मई को मूवी की रिलीज के मद्देनजर आई मूवी के ट्रेलर से इसके कुछ सबसे बेस्ट और दमदार डायलॉग्स पर एक नज़र डालते हैं। मेरे लिए ना क्रिकेट ही जिंदगी है और जिंदगी ही क्रिकेट है। राजकुमार राव का किरदार महेंद्र ये डायलॉग तब बोलता है जब वो और उसकी पत्नी जानवी कपूर एक दूसरे को जान रहे होते हैं। वे अपनी शादी की शुरुआती दिनों में हैं और एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ है, उन्हें पता चला कि उन दोनों में एक चीज़ का जुनून है, क्रिकेट। तभी राजकुमार राव कहते हैं कि उनके लिए क्रिकेट ही जिंदगी है और जिंदगी ही क्रिकेट है। तुम मारती नहीं हो, तोड़ती हो माही, ये डायलॉग महेंद्र ने तब कहा था जब वो अपनी पत्नी को पहली बार क्रिकेट खेलते हुए देखते। माही खेल को अपने पक्ष में कर रहा है और महेंद्र अपनी पत्नी की छिपी प्रतिभा को देख कर सुखद आश्चर्यचकित है। जब वो कहता है आप सिर्फ खेलते नहीं हैं, आप तो हराते भी हो। तुम्हें पता है तुम डॉक्टर क्यों बनी माही? क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे। तुम क्या बनना चाहती हो माही? जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है महेंद्र क्रिकेट के प्रति वही जुनून जगाने की कोशिश करता है जो उसके अंदर और अपनी पत्नी में भी है। उसे अपनी पत्नी की छिपी हुई प्रतिभा का पता चल गया और वो चाहता है कि वो अपने जुनून को आगे बढ़ाए और उसे सफल होते हुए देखे। लेकिन वो मुफ्त में नहीं मिलता। अगर महिमा को क्रिकेटर बनने पर ध्यान केंद्रित करना है तो उन्हें डॉक्टर की नौकरी पूरी तरह से बदलनी पड़ सकती है। तभी महेंद्र उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो अपने जुनून का पालन करेगी तो वो सफल क्यों नहीं होगी। वो कहती हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम डॉक्टर क्यों बनी माही? क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें चाहते थे। आप क्या बनना चाहते हो? मुझे बहुत भरोसा है तुम्हारे टैलेंट पर। हालांकि महिमा अपने जुनून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नौकरियां बदलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वो अपने फैसलों और क्षमताओं पर सवाल उठाती है। तभी महेंद्र ये कहकर अपना उत्साह बढ़ाने की कोशिश करती है
मुझे आपकी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। अगर क्रिकेट वो चीज़ है ना माही, जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, तो तुम बनी हो क्रिकेट के लिए। अपनी पत्नी को सफल होते देखकर महेंद्र को महिमा को अपने जुनून का पालन करने के लिए मनाने के लिए फैसले के बारे में बहुत अच्छा लगता है। वो समझाते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए बने हैं। महिमा के साथ संवाद में महेंद्र कहते हैं, अगर आप क्रिकेट आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है तो आप इसके लिए ही बनी हैं। अब आप बताओ, आप किसके लिए बने हो? जानवी और राजकुमार की इस मूवी को देखने के लिए? भाई जाओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, और मूवी देखने जाओ, फैमिली के साथ जाओ, मस्त पॉपकॉर्न खाओ और कोल्ड ड्रिंक्स भी, और इतनी प्यारी सी रोमांटिक सी मूवी देखो जहाँ पति अपना सपना अपनी पत्नी में देखता है और उसे बहुत ही इंस्पायर करता है आगे बढ़ने में। वेल, आप ये मूवी देखोगे या नहीं बताओ हमें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टाटा बाय बाय। मिस्टर एंड मिसेस माही को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। मूवी की कहानी एक ऐसे कपल की है जो क्रिकेट को बहुत ही पसंद करते हैं। पति यानी राजकुमार राव क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं तो वो अपनी पत्नी जानवी कपूर को क्रिकेटर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही इसी महीने 31 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मूवी की रिलीज से पहले उम्मीद जताई जा रही है कि इसके आने से बॉक्स ऑफिस पर रौनक लौटेगी। अब रिलीज से करीब एक हफ्ते पहले मूवी सेंसर बोर्ड से पास हो गई है। जानवी और राजकुमार की इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि इस मूवी में बोर्ड की तरफ से किसी भी सीन पर कैच ही नहीं चलाई गई है। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से बताया कि सेंसर बोर्ड की कमेटी ने मूवी पर किसी तरह का कोई कट नहीं लगाया, ना ही किसी सीन को मॉडिफाई यानी बदला गया है, और ना ही किसी सीन या डायलॉग को कम किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बोर्ड ने मेकर से सिर्फ इतना कहा कि मूवी का नाम और एंड क्रेडिट हिंदी में ही दिए जाएं। इससे पहले राजकुमार राव की ही मूवी श्रीकांत को यू सर्टिफिकेट देने से पहले मूवी में दो जगह चेंजेस किए गए थे। हालांकि मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की सलाह मानते हुए वो चेंजेस भी किए, जिसके बाद मूवी को यू सर्टिफिकेट दे दिया गया था। श्रीकांत बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है और तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी रही थी। मूवी ने अब तक 33.20 CR का बिजनेस कर लिया है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रोड्यूसर को 21 मई को सेंसर सर्टिफिकेट मुहैया कर दिया गया। ये मूवी 139 मिनट यानी 2 घंटे 19 मिनट की होगी। मिस्टर एंड मिसेस माही निर्देशन चरण शर्मा ने इसे निर्देशन किया है। शरण शर्मा की जानवी के साथ ये दूसरी मूवी है। उन्होंने 2020 में आई जानवी कपूर की गुंजन सक्सेना दी कागल गर्ल से निर्देशन की दुनिया में डेब्यू किया था। एक सूत्र ने हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड हंगामा को बताया, आजकल किसी मूवी को यू सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि कॉन्टेंट में एक्शन अंतर्गनता आदि होती है जो परिवार के साथ देखने के लिए सही नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर किसी मूवी को यू मिलता है तो कट लगाए जाते हैं। ऐसा श्रीकांत के साथ हुआ जो इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुई थी, और इसमें राजकुमार राव ही थे। हालांकि इसे यू मिला, लेकिन निर्माताओं को दो स्थानों पर कुछ संशोधन करना पड़ा, यानी कि कुछ चेंजेस करने पड़े। सूत्र ने आगे ये भी कहा, मिस्टर एंड मिसेस माही के मामले में मूवी को क्लियरली यू रेटिंग दे दी गई थी। CBFC की जांच समिति को किसी भी दृश्य डायलॉग्स को काटने संशोधित करने का ये मन नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वहाँ पर उन्होंने निर्माताओं से केवल शीर्षक और अंतिम क्रेडिट का उल्लेख हिंदी में करने के लिए कहा। दूसरे निर्माताओं से क्रिकेट से संबंधित कंटेंट के लिए परामर्श के संदर्भ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जिसे निर्माताओं ने विधिवत प्रदान किया था। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि यू सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन यू यानी मेन यू तो आप लोग हो ना ऑडियंस, आप लोग ये मूवी देखने जाओगे या नहीं बताओ मैं कमेंट सेक्शन में, और अपने बच्चों को भी लेकर जाओ यार, ये मूवी बड़ी प्यारी है, हमें जहाँ तक लगता है ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है और इसका कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो जाओ, मस्त इंजॉय करो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ। टाटा।
जानवी कपूर अपनी आगामी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसमें जानवी कपूर के साथ राजकुमार राव अहम भूमिका में हैं। हाल ही में जानवी ने अपनी भूमिका को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मूवी में उनके किरदार महिमा में दर्शकों को उनकी दिवंगत माँ श्रीदेवी की झलक दिखाई देगी। दर्शक इस किरदार में श्रीदेवी की तरह का चुलबुलापन देख पाएंगे। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में जानवी कपूर ने कहा, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी किरदार अदा किए हैं उन सभी में से किसी भी किरदार में चुलबुलापन दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अभी तक की सारी भूमिकाएं काफ़ी भोली भाली रही हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माही में हमने शुरुआत से फैसला किया कि माही का किरदार खूब फनी और मजबूत होगा। मुझे लगता है कि मूवी देखने के बाद आप भी ऐसा ही फील करोगे। जानवी कपूर ने धड़क, गुंजन सक्सेना, मिली जैसी कई फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार किए। अब अपनी आगामी मूवी में वो एक मासूम लड़की महिमा का किरदार निभा रही है जो हर किसी की बात सुनती है। जानवी ने कहा, मेरे किरदार का नाम महिमा है। शॉर्ट में माही, वो अपने पति को बहुत प्यार करती है और खुद बहुत ही ज़्यादा भोली भाली है। उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन हकीकत में वो वही करती है जो बाकी लोग उसे कहते हैं। फिर चाहे बात अपने पिता की बात सुनने की हो या अपने पति की, इसलिए उसने अपनी आवाज़ को पहचाना, जानना और सीखा, और यही इस मूवी में महिमा की यात्रा है। मूवी को लेकर राजकुमार ने कहा कि इस मूवी में मेरे किरदार का नाम महेंद्र है। वो एक असफल क्रिकेटर है। क्रिकेट के प्रति उनसे जुनून है। वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं और एक दिन देश के लिए खेलना भी चाहते हैं, लेकिन पीयर प्रेशर में ये हो नहीं पाता है। अपने परिवार के दबाव में ऐसा नहीं हो पाता। अब वो उस रास्ते पर हैं जो उसके पिता ने उसे दिखाया, और फिर महिमा से उसकी शादी होती है। जानवी ने कहा कि मेरा मानना है कि मैंने आज तक जितने भी किरदार निभाए उनमें से मुझे लगता है कि चुलबुलापन वाला किरदार मुझे अभी तक करने का मौका ही नहीं मिला। सभी किरदार बेहद मासूम और दयालु रहे हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माही में हमने शुरू से ही तय कर लिया था कि महिमा का किरदार बेहद मज़ेदार और दमदार होगा। मुझे उम्मीद है कि इस मूवी को देखने के बाद भी आपको ऐसा ही महसूस होगा। जानवी जो धड़क, गुंजन सक्सेना, द कागल गर्ल, मिली सहित अन्य फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, एक मासूम लड़की महिमा का किरदार निभा रही हैं जो हर किसी की बात सुनती है। गुडलक चेरी की अभिनेत्री ने अपने किरदार के बारे में कहा और बताया कि मेरे किरदार का नाम महिमा है, जिसका संक्षिप्त रूप माही है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। ये सारी चीज़ें इस मूवी का प्लॉट है, इसलिए उसने अपनी आवाज़ को पहचाना, जाना और उसका उपयोग करना नहीं सीखा, और यही फिल्म में उसकी यात्रा है जिससे आगे लेकर जाने वाले हैं राजकुमार यानी माही। दोनों ही माही हुए ना, माही माही। तो देखो इन दोनों माही को थिएटर्स में जाकर क्या मज़ा आने वाला है इस मूवी में। ट्रेलर में तो आधा से ज़्यादा कहानी हमें पता चल ही गई है, बट स्टिल देखना होगा ना कि एंड में, क्लाइमेक्स में क्या होता है, कैसे जानवी कपूर एक माही एक एक शॉट पे सिक्सर लगाती हैं। तो अब आप बताओ आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर, और ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है ये मूवी राजकुमार और जानवी के लिए एक टॉप नोच मूवी हो सकती है। बताओ मैं कॉमेंट सेक्शन में। विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टाटा। जानवी कपूर और राजकुमार राव की अपकमिंग मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। इस मूवी के प्रमोशन में दोनों ही एक्टर पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अब इस मूवी के टाइटल पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मूवी क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है या फिर उनकी ज़िंदगी का कोई किस्सा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। जी हाँ, बता दें कि ये एक काल्पनिक कहानी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इस मूवी का नाम मिस्टर एंड मिसेस माही ही क्यों रखा गया। आइए आपको बताते हैं।
दरअसल इस मूवी का टाइटल मिस्टर एंड मिसेस माही इसलिए रखा गया है क्योंकि मूवी में दिखाई देने वाला कपल क्रिकेट का फैन है जो अपने पैशन को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा देते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों क्रिकेट के प्रति अपना प्यार को दबाने की बजाय उसे अपने प्रोफेशन बनाने के लिए ठानते हैं। जानवी मूवी में फील्ड पर नजर आने वाली हैं। दूसरी तरफ मूवी का धोनी से एक खास कनेक्शन है जिसका जिक्र खुद जानवी कपूर ने किया था। जानवी ने रिवील किया है कि धोनी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही थी जो मूवी में महसूस करने को मिलेगी। पूरी मूवी क्रिकेटर की उन कही बातों पर आधारित है। धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, सभी चीज़ें रिजल्ट के बारे में नहीं होती, प्रोसेस भी मायने रखता है। अगर प्रोसेस ईमानदारी से निभाओगे और मेहनत करोगे तो नतीजा भी अच्छा होगा, चाहे अच्छा या बुरा फर्क भी नहीं पड़ेगा, फिर मेहनत और ईमानदारी मायने रखती है। अब उनके इन्हीं विचारों पर यह मूवी पूरी टिकी हुई है। बता दें कि ये मूवी थिएटर में तो 31 मई 2024 को रिलीज होगी, लेकिन अब उसकी ओटीटी रिलीज को लेकर भी जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस मूवी के ओटीटी राइट्स ने नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं। अभी तक ओटीटी रिलीज डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन अगर मूवी अच्छी चली तो कुछ इंतज़ार के बाद इसे ओटीटी पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा। वहीं अगर मूवी सिनेमाघरों में खास प्रदर्शन नहीं कर पाई तो इसे बाकी फिल्मों की तरह जल्द ही स्ट्रीम कर दिया जाएगा। बता दें कि जानवी फिलहाल मूवी का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। इन सभी के बीच जानवी ने हाल ही में टिन सेल टाउन में पेपराजी कल्चर के बारे में बात की। दरअसल एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि पेपराजी को उनके द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों के आधार पर पेमेंट मिलती है, इसलिए वो जब चाहे जहाँ चाहे फोटो लेते रहते, चाहे वो जिम वेयर में हो या विद और विदाउट मेकअप हो या डेट में हो, तो पेपराजी एक भी मौका नहीं छोड़ते जानवी कपूर की तस्वीरें लेने का। एक बार तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जानवी कपूर गरीबों में ना ऐसे खाना बांट रही थी और पेपराजी वहाँ भी आ गए और उन्होंने वो चीज़ बंद करवाई कि नहीं मत लो, और ये चीज़ कैप्चर करनी भी नहीं चाहिए। और पेपराजी ने इस चीज़ की आई गेस रिस्पेक्ट भी करी, एक शॉर्ट क्लिप थी लेकिन स्टिल उन्होंने अपलोड कर दी थी रील्स पे। अब बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, तो आई मीन छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी तरह से फैलाई जाती हैं। खैर अभी तो बात करते इस बड़ी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर, तो बाप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय। राजकुमार राव मौजूदा दौर की बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। हाल ही में वो मूवी श्रीकांत में नजर आई थी। फिलहाल वो अपनी आगामी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन में बहुत ही व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी दिवंगत माँ से विरासत में मिली एक परंपरा के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि वो हर शुक्रवार को व्रत रखते हैं। बचपन से वो माँ को शुक्रवार का व्रत करते देखते आए थे। राजकुमार राव इन दिनों जानवी कपूर के साथ अपनी आगामी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो शुक्रवार को व्रत रखते हैं। उन्होंने कहा, मैं शुक्रवार को व्रत रखता हूँ, ये व्रत मेरी माँ संतोषी माँ के लिए किया करती थी। बचपन से ही मैंने अपनी माँ का अनुसरण करना स्टार्ट कर दिया था। 16 साल की उम्र से ये व्रत मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है। राजकुमार राव की मां कमल यादव का साल 2019 में निधन हो गया था, लेकिन राजकुमार अभी भी पूरी शिद्दत से ये व्रत करते हैं। उन्होंने बताया कि व्रत की वजह से कभी कभी उनका शेड्यूल काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है, खासकर जब वो प्रमोशन में व्यस्त होते हैं या सेट पर उन्हें अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने की ज़रूरत होती है। फिर भी पूरी शिद्दत से वो ये व्रत करते हैं। उन्होंने बताया, कभी कभी मैं खाना नहीं खाता और कभी कभी जब मैं काम कर रहा होता हूँ और मुझे उस दिन बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है तो मैं रात में एक बार खाना खा लेता हूँ। अभिनेता अपनी माँ को बहुत ही प्यार करते हैं। अपनी माँ के लिए उनका प्रेम शादी के वक्त भी नज़र आया था। साल 2021 में पत्र लेखा से शादी के दौरान एक दिल छू लेने वाली तस्वीर में राजकुमार अपनी दिवंगत माँ की तस्वीर के सामने बैठे हुए नज़र आए थे। वो उनसे आशीर्वाद लेते दिखे थे। हाल ही में उन्होंने माँ को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था, आप हमेशा इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ रहेंगी माँ। मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आपकी हर रोज़ याद आती है। मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूँगा।
बता दें कि जानवी और राजकुमार मूवी के प्रमोशन के लिए काशी गए थे और वहाँ स्क्रीन पर मिस्टर एंड मिसेस माही का एक वीडियो क्लिप चलाया गया था, जिसमें क्रिकेटर के बनने के इमोशनल और रोमांटिक सीन को दिखाया गया। जानवी ने छात्रों के सवालों का उत्साहपूर्वक जवाब दिया था। इस टोटल ओकेजन में और कार्यक्रम में राजकुमार राव और जानवी कपूर को मंच पर डांस करते हुए देखकर छात्र छात्राएं अत्यंत एक्साइटेड दिखे थे, और इतनी ही एक्साइटमेंट, उन्हें लगता है कि ये सारी एक्साइटमेंट से उन्हें भी एक अच्छी फीलिंग आई है कि हाँ, ये मूवी चल जाएगी, क्योंकि अभी राजकुमार को और जानवी को दोनों को ही ना अपने आप को प्रूव करने की बहुत ही ज़रूरत है। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये मिस्टर एंड मिसेस माही छक्का मार जाए। खैर, बाबा तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टाटा। राजकुमार राव फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आने वाले हैं। मूवी में उनके साथ जानवी कपूर भी हैं, इसे करण जौहर प्रोड्यूस किए हैं। हाल ही में राजकुमार और जानवी ने करण जौहर के साथ बातचीत की। इस दौरान राजकुमार ने अपनी एक्टिंग जर्नी के बारे में करण को बताया। उन्होंने कहा कि एक मूवी से उन्हें रातों रात निकाल दिया गया था और एक स्टार किड को कास्ट कर लिया गया। साथ ही मुंबई में उनके शुरुआती दिनों में लोगों ने अलग अलग बॉलीवुड पार्टीज में जाने की भी सलाह दी थी। वे कहते थे पार्टीज में जाओ, कॉन्टैक्ट बनाओ, तब जाके काम मिलेगा। करण जौहर राजकुमार और जानवी का इंटरव्यू ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, कुछ सक्सेसफुल लोग भी कहते हैं कि फलाना और ढिमकाना स्टार किड की वजह से मुझे हटा दिया गया। वे लोग हेडलाइन बनाने के लिए इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे बोलते हैं, मैं पार्टी में नहीं गया तो रोल नहीं मिला। मैं कई पार्टीज में जाता हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं पता चल पाया कि किन पार्टीज में ये काम मिलता है। इस पर करण को जवाब देते हुए राजकुमार ने कहा, जी हाँ, जब मैं नया नया मुंबई आया था तब मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें पार्टीज में जाना होगा, कॉन्टैक्ट बनाने होंगे, लेकिन किसी पार्टी में जाकर ये कहना कि मैं कॉन्टैक्ट बनाने आया हूँ, ये अजीब है ना। हाँ, एक बार मुझे एक मूवी के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर पता चला कि मुझे रातों रात हटा दिया गया, क्योंकि मेरी जगह एक ऐसे व्यक्ति को कास्ट किया गया जो मशहूर इंसान था और एक स्टार किड था। मुझे ये ठीक नहीं लगा, हालांकि वो मूवी कभी बन भी नहीं पाई। उस समय वो एक इंसाइडर था, लेकिन इसी वजह से कोई और जगह आउटसाइडर को भी नहीं मिल पाया। जो सक्सेसफुल होने के बाद आपके साथ ऐसा कर सकता है, या कोई पहला मौका नहीं है जब राजकुमार राव ने मूवी से निकाल जाने का बात बताया। इससे पहले वो एक पॉडकास्ट में भी इस पर बात कर चुके हैं। हालांकि राजकुमार का मानना है कि इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो राजकुमार राव की मूवी श्रीकांत रिलीज हो चुकी है। उनकी इस कहानी को पर्दे पर उतारा है सांड की आंख के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने। इसके अलावा राजकुमार राव जानवी कपूर के साथ मिस्टर एंड मिसेस माही में दिखाई देने वाले हैं। ये मूवी 31 मई 2024 को रिलीज होगी। इन फिल्मों के साथ ही राजकुमार के पास अमर कौशिक की हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री 2 भी है। इसमें श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, ये सारे लोग नज़र आने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अगर सभी की पैनी नज़र है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर है। और इसके गाने तो भाई क्या लाजवाब है, हर एक गाने में भरपूर इमोशंस जुड़ा हुआ है, जो आज के युग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और लोग इसे बहुत जगह से डाउनलोड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉलर ट्यून लगा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। स्पेशली वो देखा तेनू का रिक्रिएटेड वर्जन, जो कि बहुत ही स्लो वर्ड्स में है और बड़ा ही एकदम एस्थेटिक लुक दे रहा है। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर। आप ये मूवी क्यों देखने जाओगे और जाओगे भी या नहीं, बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। बाय बाय। जानवी कपूर अपनी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही के रिलीज के इंतजार में हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हमारे साथ बात की। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी इतिहास में इंटरेस्ट है। जब पूछा गया कि अगर उन्हें टाइम मशीन में बैठकर वापस किसी दौर में जाने का मौका मिले तो वो किस दौर में जाना चाहेंगी, इस पर जानवी के जवाब ने होस्ट सौरभ द्विवेदी और दर्शकों को हैरत में डाल दिया।
उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच की डिबेट देखना चाहेंगी। दी ललन टॉप के स्पेशल शो बैठके में जानवी ने कई सब्जेक्ट्स पर बात की। जब टाइम ट्रैवल करके इतिहास के अपने सबसे रोचक पीरियड या इवेंट में जाने का इमेजिनेटिव सवाल पूछा गया तो जानवी ने कहा, जो मैं कहने जा रही हूँ इसके बाद आप इस बारे में और सवाल मत पूछिएगा क्योंकि मुझे पता है मेरे विचार ऑडियंस तक किस तरह पहुँचेंगे, लेकिन गांधी और अम्बेडकर के बीच डिबेट देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बस एक डिबेट, कैसे अम्बेडकर साहब के विचार और गांधी जी के विचार एक विषय को लेकर बदलते रहे, फिर वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाए। दोनों ने हमारे समाज को बहुत हेल्प किया। मुझे लगता है कि दोनों के बीच बहुत इंटरेस्टिंग बहस होती है। बातचीत में जानवी से आगे जातिवाद पर भी बात हुई। पूछा गया कि आप स्कूल में थीं तो जाति पर कोई बातचीत होती थी या नहीं। इसके जवाब में जानवी ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कोई बातें ऐसी नहीं होती थी, वहाँ तक कि मेरे घर में भी कभी जाति को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। जानवी की आने वाली फिल्मों की बात करें तो राजकुमार राव के साथ मिस्टर और मिसेस माही थारी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा उनके पास देवरा पार्ट 1 है जिसमें जानवी जूनियर एंटिया के साथ नजर आएंगी। ये उनकी तेलुगू डेब्यू मूवी भी है। साथ ही उनके पास उलझ और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं। वेल, अपने प्रमोशन के दौरान जानवी ने इस दौरान उन्होंने दोस्ताना 2 पर भी बात की। उसमें उन्होंने बताया कि दोस्ताना 2 की चल रही शूटिंग को बीच में ही क्यों बंद कर दिया गया। जानवी ने करण जौहर और कार्तिक आर्यन के रिश्ते पर भी बात की। दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन, लक्ष्य लालवानी और जानवी लीड रोल में थी। दी ललन टॉप के स्पेशल शो ललन टॉप बैठके में जानवी ने कई सारी चीज़ों पर बात की। इसमें उन्होंने दोस्ताना 2 की शूटिंग के बारे में भी बात किया। जानवी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, मुझे लगता है कि हमने 30 से 35 दिन की शूटिंग कर ली थी। मेरे हिसाब से शूट अच्छा जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि मूवी क्यों बंद हुई, मुझे सच में नहीं पता। हाँ, मैंने पूछा भी, हमने मूवी की शूटिंग लॉकडाउन से पहले कोविड से भी बहुत पहले स्टार्ट की थी, फिर कोविड हुआ, इसके बाद मूवी में 1.5 साल का डिले हो गया, इसके बाद लोगों को लगा कि इसको फिर से स्टार्ट करना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। अब जब जानवी से पूछा गया कि क्या करण जौहर और कार्तिक आर्यन के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, इस पर जानवी ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनके बीच क्या हुआ और क्या नहीं मुझे लगता है आप उनसे ही पूछ लो। जानवी की बातों से ये तो साफ है कि कार्तिक और करण के बीच कुछ तो अनबन ज़रूर हुई थी। दोस्ताना 2 की शूटिंग बंद होने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आए थे। इसमें बताया गया था कि करण ने कार्तिक के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते उन्हें मूवी से निकाल दिया था। हालांकि सच क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, ऑफिशियल तरीके से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अब इस कॉन्ट्रोवर्सी से थोड़ा हट जाते हैं और वापस आ जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस माही पर, क्योंकि अभी तो सिर्फ वही चर्चा में बनी हुई है ना। तो जानवी बहुत ही एक्साइटेड हैं और वो बहुत ही खुश हैं कि उन्हें माही का किरदार मिला प्ले करने को, और वो अपने हर एक मूवी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। नो डाउट जानवी एक स्लो लर्नर रही हैं शुरू से, लेकिन स्टिल उनकी फिल्मों में उनका इम्प्रूवमेंट आसानी से दिख रहा है। लेकिन अब देखते हैं इस मूवी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है जानवी कपूर का। और राजकुमार राव के साथ तो रूही में हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन मिस्टर मिसेस माही के कैरेक्टर में दोनों को एक साथ देखना और प्यारी प्यारी बातें और प्यारे प्यारे रोमांटिक सीन करना, ये तो अलग ही लेवल की बात है। पर ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है मिस्टर एंड मिसेस माही में। आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें और थिएटर में जाके मिस्टर एंड मिसेस माही देखाएं। मिस्टर एंड मिसेस माही के निर्माताओं ने मूवी के संगीत एल्बम से दूसरा ट्रैक जारी किया। बहुप्रतिष्ठित फिल्म में जानवी कपूर और राजकुमार राव एक स्पोर्ट्स ड्रामा में है जो प्यार, महत्वाकांक्षा और आशा का वादा करता है।
अगर हो तुम शीर्षक वाले 3.5 मिनट के म्यूजिक वीडियो में रोमांटिक लीड को जीवन भर के साथी के रूप में जीवन की छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेते हुए दिखाया गया। वे दोनों एक सम्मान प्रेम क्रिकेट साझा करते हैं जो अंततः उनके एक दूसरे को करीब लाता है। संगीत वीडियो में जानवी कपूर और राजकुमार राव के किरदार नवविवाहित जोड़े के रूप में हैं जो एक दूसरे के शौक और खुशियों के बारे में सीख रहे हैं। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री बेदाग है क्योंकि ऑडियंस उनके खिलते प्यार के पीछे के प्यार और उत्साह को फील कर सकते हैं। अगर हो तुमको तनिष्क बागची ने कंपोज किया है और जुबिन नौटियाल ने गाया। गाने के बोल कोसर मोरीन ने लिखे हैं। ये संगीत वीडियो जयपुर की सुरमई पृष्ठभूमि पर आधारित है जहाँ मुख्य जोड़ी शादी करती है और मूवी में एक साथ रहती है। इस गाने के बारे में बात करते हुए सिंगर जुबिन नौटियाल ने साझा किया, अगर हो तुम में काम करना अद्भुत रहा, मुझे गाना रिकॉर्ड करने में बहुत ही मज़ा आया। संगीत वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि राजकुमार राव द्वारा अभिनित महेंद्र कैसे क्रिकेट में अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचानता है और उसे अपने सपनों को पूरा करने का आग्रह करता है। हम देखते हैं कि वो उसे कैसे प्रशिक्षित करता है और उसकी भलाई का ख्याल रखता है ताकि वो एक उत्कृष्ट क्रिकेटर बन सके। अनभिज्ञ लोगों के लिए जानवी कपूर को इस भूमिका के लिए 2 साल तक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि एक बार उनका कंधा भी उखड़ गया था। साउंड ट्रैक के संगीतकार तनिष्क बागची ने कहा, अगर हो तुम एल्बम का एक ताज़ा रोमांटिक तत्व है। कोसर मुनीर के खूबसूरत बोल और जुबिन की सुरीली आवाज़ दर्शकों से जुड़ जाएगी। ये सही तरह की भावनाओं और एहसासों को सामने लाता है। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस इस गाने को बहुत ही प्यार देने वाली है और इसका आनंद लेंगे। शेरशाह के रंता लांबिया और बजरंगी भाईजान की जिंदगी कुछ तो बता जैसे पैच। शेरशाह के रंता लांबिया और बजरंगी भाईजान की जिंदगी कुछ तो बता जैसे ट्रैक के लिए मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने नए गाने को आवाज़ दी है। उन्होंने कहा, भावनाएं और शब्द मूवी की स्थिति के अनुरूप है और राजकुमार और जानवी की केमिस्ट्री गाने के माध्यम से चमक उठी है। गीत तुरंत गूंजते हैं और हमने वास्तव में इसके सार का सम्मान करने के लिए गीत को गहरी भावनाओं से भरने की कोशिश की है। शब्दों का सही चयन और शानदार रचना सर्वश्रेष्ठ को सामने लाती है। मिस्टर एंड मिसेस माही का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है जिन्होंने मूवी गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल से निर्देशन की शुरुआत की थी जिसमें जानवी कपूर मुख्य भूमिका में थी। ये मूवी 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। श्रीकांत की सक्सेस के बाद राजकुमार राव अब अपनी दूसरी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर सुर्खियों में बने हैं जिसमें सुपरस्टार दूसरी बार जानवी कपूर के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। फैंस अब इस मूवी के सिनेमाघरों में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। शरण शर्मा के निर्देशन में बनी ये मूवी 31 मई को देश भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। राजकुमार और जानवी की ये मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसका हाल ही में ट्रेलर भी लाया गया जिसने फैंस का दिल जीत लिया था। मूवी की कहानी क्रिकेट और रोमांस के एक रोमांचक सफ़र पर है। इसी बीच राजकुमार ने अपने इंस्टाग्राम सेट पर कुछ BTS फोटोज़ भी शेयर किए हैं जिनमें दोनों सेट पर खाली समय में खूब मस्ती करते नजर आते हैं। फोटो में दोनों मेट्रो में सफ़र करते और ग्राउंड में खेलते सोते नजर आए। राजकुमार राव द्वारा शेयर की गई इन सभी तस्वीरों को बेहद पसंद किया जा रहा है। दोनों की ये तस्वीरें मूवी की शूटिंग के दौरान की है जहाँ दोनों खाली समय में एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते नजर आ रही हैं। इन सभी फोटोज़ को शेयर करते हुए राजकुमार ने कैप्शन में लिखा, #मिस्टर एंड मिसेस माही की कहानी कुछ तस्वीरों की जुबानी #मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 31st मई। एक्टर के इस पोस्ट को बेहद पसंद किया जा रहा है। तस्वीरों में राजकुमार राव और जानवी कपूर अलग अलग सीन करते नजर आ रहे हैं। फैंस भी उनकी तस्वीरों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट्स जाहिर कर रहे हैं और साथ ही दिल वाला इमोजीज भी शेयर करें। वहीं
अगर दोनों के वर्क फ्रेंड की बात करें तो राजकुमार को हाल ही में श्रीकांत में देखा गया था, जिसको दर्शकों से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं जानवी भी इस मूवी के अलावा जूनियर एनटीआर की देवरा में नजर आने वाली। इसके अलावा भी दोनों के पास कई और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल तो मिस्टर एंड मिसेस माही मेन प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट इनका सफल हुआ तो आने जो डायरेक्टर्स इन्होंने आगे फिल्मों के लिए कास्ट किए हैं तो उनके लिए भी थोड़ी रिलीफ हो जाएगी कि ब्रो चलो मूवी तो हिट हुई ना, अब हमें भी थोड़ी टेंशन कम है। खैर अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। वेल व्हाट इज द स्ट्रगल स्टोरी ऑफ राजकुमार राव, ये तो सभी जानना चाहेंगे क्योंकि राजकुमार एक बहुत ही ऑथेंटिक एक्टर हैं, तो उनके बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा, है ना। तो राजकुमार राव की मूवी आ रही है मिस्टर एंड मिसेस माही। मूवी में राज के साथ जानवी कपूर है, उसी का प्रमोशन चल रहा है। इसी समय राजकुमार का एक इंटरव्यू आया है पिंक वेला के साथ। हुई इस बातचीत में राजकुमार ने बताया कि उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया था जब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 18 रुपये थे और इस रकम के साथ उन्हें मुंबई जैसे शहर में गुजारा करना था। राजकुमार उन एक्टर्स में से बिल्कुल भी नहीं है जो हर दूसरी लाइन में अपने स्ट्रगल का किस्सा जोड़कर बढ़ा चढ़ा कर उसे बेवजह इंटरेस्टिंग बनाने और सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनकी कही बातों का असर बहुत ही ज़्यादा होता है और मुंबई में स्ट्रगल करने वाला हर एक एक्टर उसे रिलेट भी कर पाता है। राजकुमार राव हरियाणा की एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अपने बचपन की याद शेयर करते हुए वो बताते हैं, मैं बड़े साधारण परिवार से आता हूँ। मेरी लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास अपनी स्कूल फीस देने भर के भी पैसे नहीं थे। 2 साल तक मेरी फीस टीचर्स ने भरी। जब मैं मुंबई आया तब हम एक छोटे से मकान में रहते थे। मैं अपने हिस्से का 7,000 रुपये किराया देता था जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। मुझे यहाँ रहने के लिए प्रति महीने 15,000 से 20,000 रुपये की ज़रूरत होती थी। तभी मेरे फ़ोन पर मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 18 रुपये बचे और मेरे दोस्त के पास सिर्फ 23 रुपये। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था। मुंबई मौका देने से पहले सबको परखती है, ऊंच नीच सब कुछ सिखाने के बाद अपना हिस्सा बनाती है। राजकुमार राव को भी मुंबई टेस्ट देना पड़ा, अपने हिस्से का संघर्ष उन्हें भी करना पड़ा। इन्हीं दिनों के बारे में बात करते हुए राज बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था विनोद जो खुद भी एक्टर था। हम बाइक से ऑडिशन देने जाते थे और मुझे प्रेजेंटेशन का पर भी नहीं आता था। कैसे दिखना है, क्या पहनना है, इन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। बाइक से ट्रैवल करने के बाद हम धूल मिट्टी से गंदे हो जाते थे। हम अपनी गाड़ी रोकते थे और गुलाब जल से एक दूसरे को चेहरा साफ कर देते थे। ये करके हमें लगता था कि हम काफ़ी सही और परफेक्ट लग रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, राज बताते हैं कि उन्हें पैसे की इतनी तंगी होती थी कि लोगों से पैसे उधार मांगने पड़ते थे और जब उधार वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता था तो वो अपने दोस्तों के घर जाकर उनका ही खाना शेयर कर लेते थे। राजकुमार राव की ये बातें मुंबई जाने का सपना देखने वाले उन लाखों लोगों के लिए एक लेसन है। मुंबई जाना मुश्किल नहीं है, अपना नाम बनाने के लिए वहाँ बने रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पिछले कुछ शुक्रवारों से जिस तरह बॉक्स ऑफिस ने निराश किया उसे देखते हुए अब सबकी नज़रें मिस्टर एंड मिसेस माही पर टिकी है। फिल्मों की खस्ता हालत को देखते हुए मल्टीप्लेक्सेस एक बार फिर सिनेमा लवर्स डे को लेकर आए हैं जिससे अधिक से अधिक दर्शकों को थिएटर्स में लाया जा सके। अब ये देखना है कि सिनेमा लवर्स 99 रुपीज़ में ये फ़ायदा उठाते हैं अपनी मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को देखने के लिए या फिर और भी बाकी मूवी को देखने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि लोग देखते कह रहे भाई ये तो 99 रुपीज़ की मूवी है तो जो मूवी हमने देख रखी है उसे भी एक बार देख लें, होता है ना। तो देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो और बेचारे मिस्टर एंड मिसेस माही पीछे रह जाए, बट हमें उम्मीद है कि मूवी बहुत ही अच्छी कमाई करेगी। अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर। हम फिर मिलेंगे, टाटा बाय।
मिस्टर एंड मिसेस माही जानवी कपूर की ऐसी दूसरी मूवी है जिसमें उनका पति अपने आप से, अपने करियर से असंतुष्ट है और जानवी से शादी के बाद ही कहानी और भी पेचीदा होती जाती है। पहली मूवी थी 2023 में वरुण धवन के साथ आई मूवी बवाल। उस मूवी में भी हीरो को छाए रहने की चाहत थी और मिस्टर और मिसेस माही में भी हीरो सबकी नज़रों में प्रशंसा पाना चाहता है, लेकिन बवाल में वरुण धवन झूठ बोलते थे और इस मूवी के हीरो राजकुमार राव सच बोलने में यकीन रखते। हालांकि दोनों ही अपने करियर में कुछ ना कर पाने को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं पत्नी जानवी कपूर पर। दोनों ही मूवीज़ में जानवी ने बेहद स्वीट सी पत्नी का रोल अदा किया है, लेकिन सही मायनों में वही दोनों फिल्मों के हीरो हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही का टाइटल ही अपने में खास है और लगता है कि कहानी केवल क्रिकेट की दुनिया के माही यानी महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर की जिंदगी से जोड़कर भी रखा गया है। इस मूवी के हीरो और हीरोइन के पात्रों दोनों का नाम है माही, एक महेंद्र और दूसरी महिमा यानी जानवी कपूर। इसी के चलते ही मूवी का नाम मिस्टर एंड मिसेस माही रखा गया, जबकि सचिन की पत्नी अंजलि क्योंकि डॉक्टर थी इसलिए शायद इस मूवी में जानवी के किरदार को डॉक्टर दिखाया गया। हालांकि फिल्मी कहानी में असल जिंदगी से अलग कुछ ट्विस्ट डाल दिया गया। कहानी स्टार्ट होती है महेंद्र के फितूर क्रिकेट से, जो किसी भी तरह इंडिया की टीम में खेलकर अपना नाम बनाना चाहता है। अपने उस टीवी स्टार भाई की तरह जो किसी भी तरह चाहे सोशल मीडिया पर लाइक्स खरीद कर लाइमलाइट में रहता है, जबकि पिता कुमुद मिश्रा की नज़रों में वो एक निकम्मा है। स्टेट टीम में भी सिलेक्शन ना होने पर वो माही को अपनी स्पोर्ट्स की दुकान में बैठाना शुरू कर देता है, साथ में उसकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढना भी। लड़की भी मिलती है माही यानी महिमा अग्रवाल, जो MBBS टॉप करने के बाद एक बड़े डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। महेंद्र के पिता एक अच्छे सेल्समैन की तरह अपने बेटे को भी बिजनेस में अच्छी समझ की तारीफें करते हैं। बेटे को रास नहीं आती तो वो उसे सच बता देता है और इसी सच से खुश होकर माही शादी करने के लिए हाँ कर देती है। बाद में दोनों को ही पता चलता है कि दोनों को ही क्रिकेट का बड़ा वाला फितूर है। महिमा महेंद्र को फिर क्रिकेट के मैदान में उतारती है, लेकिन वो लय खो चुका था। तब महेंद्र कोच बनकर महिमा को मैदान में उतारता है और फिर लगता है हर्षिकेश मुखर्जी की मूवी अभिमान शुरू हो गई है। मूवी में सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात ये है तो वो ये चीज़ कि राजकुमार राव और जानवी कपूर की एक्टिंग, मासूमियत और इमोशन जाहिर करने में जानवी का वाकई में कोई मुकाबला नहीं, और राजकुमार राव तो मानो अपने किरदार में डूब जाने की हद तक घुस जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन की इस हद तक शायद ही कोई बड़ा हीरो जाना चाहता हो कि उसकी इमेज पर संकट आ जाए, लेकिन राजकुमार राव ने ये रिस्क लेते हैं और ये हो सकता है कि कल को राजकुमार राव को इस रोल में एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल जाए। इस मूवी के निर्देशक शरण शर्मा तो जानवी कपूर स्पेशलिस्ट हैं। इसमें पहले गुंजन सक्सेना दी कारगिल गोल डायरेक्ट कर चुके हैं, रणवीर कपूर की दो फिल्मों में डायरेक्टर के सहायक रह चुके हैं। ऐसे में वो जानवी के रोल को एक दूसरे ही लेवल पर ले जाते हैं, इसमें भी ले गए हैं। बावजूद इसके कि मूवी क्रिकेट पर बनी है, वैसा ही हार जीत और हताशा का रोमांच और इमोशंस इस मूवी में भरपूर मात्रा में। ऐसे में ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के मूड से जो लोग इस मूवी को देखने जाए उनको ये मूवी पसंद नहीं आए, लेकिन क्रिकेट लवर्स को, फैमिली ऑडियंस को या जानवी और राजकुमार राव के फैंस को ये मूवी शर्तिया ज़रूरी पसंद आएगी। माना जा रहा है कि OTT पर जब भी ये मूवी स्ट्रीम होगी तब इसको ज़्यादा पसंद किया जाएगा, क्योंकि चुनावी माहौल और भीषण गर्मी के चलते थिएटर्स में दर्शक वैसे भी कम आ रहे हैं। इसलिए ये मूवी सिनेमा लवर्स दिवस पर लाई जा रही है, इसलिए दर्शकों के लिए पहले दिन इस मूवी का टिकट भी केवल 99 रुपीज़ रख दिया गया है। मूवी में अलग अलग संगीतकारों और गायकों के कई गीत हैं जो कहानी के साथ फिट होते चले जाते हैं। इमोशनल और रोमांटिक गीतों में अभी तक कोई लोगों के दिलो दिमाग पर चढ़ा नहीं है, लेकिन मूवी के साथ देखने सुनने पर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 139 मिनट की ये मूवी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है।
अब देखना होगा कि ये मूवी कितना ज्यादा कमाल करती है। आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो? बाय बाय। एक्ट्रेस जानवी कपूर इन दिनों अपनी मूवी मिस्टर एंड मिसेज माही को लेकर काफी चर्चा में छाई हुई हैं। एक्ट्रेस ने अपनी इस मूवी का प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया है। हाल ही में एक्ट्रेस ने उस मूवी के बारे में बातें की जिसमें उन्हें सारा अली खान ने रिप्लेस कर डाला। जानवी ने बताया कि उन्हें क्यों मूवी से बाहर निकाला। जानवी कपूर और सारा अली खान दोनों ही बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेसेस हैं। ये दोनों एक्ट्रेस अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती जा रही हैं। सारा जानवी असल जिंदगी में अच्छी दोस्त भी हैं। दोनों को कई दफ़ा साथ में वेकेशन मनाते हुए भी देखा गया है। लेकिन बेहद कम लोग ये बात जानते होंगे कि एक बड़ी मूवी से सारा अली खान ने जानवी कपूर को रिप्लेस कर दिया था। रिलीज के बाद वो मूवी एक बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। फिलहाल जानवी कपूर अपनी अपकमिंग मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं। इसी बीच एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान जानवी कपूर ने इस पुराने किस्से पर बातें की। जानवी से उस वक्त के बारे में सवाल किया गया जब उन्हें एक मूवी से निकाल दिया गया था। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने मूवी में अपनी कास्टिंग के बारे में किसी को बता दिया था जिसकी उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। लल्लन टॉप से बात करते हुए जब जानवी ने इस बारे में बात की तो कहा कि ये मूवी किसी और के साथ बन चुकी है और सिनेमाघरों में रिलीज भी हो चुकी है। जब जानवी कपूर से पूछा गया कि क्या वो सारा अली खान है तो जवाब में उन्होंने कहा हाँ। पहले इस तरह की खबरें सामने आई थीं कि जानवी कपूर को सारा अली खान ने रिप्लेस कर दिया है। साल 2018 में मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जानवी को मूवी से बस इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने रिलीज से पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि वो रणवीर सिंह के साथ काम करने वाली हैं। उन्हें ये बताने से मना भी किया गया था। इन खबरों के सामने आने के बाद सभी ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये मूवी सिम्बा थी। रणवीर सिंह और सारा अली खान ने अभी तक इस मूवी में एक साथ काम किया है और ये पिक्चर साल 2018 में थिएटर में रिलीज हुई थी। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 400 करोड़ के करीब कमाई की थी। सारा ने मूवी केदारनाथ के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा था। वहीं जानवी कपूर ने धड़क से डेब्यू किया था। इसी इंटरव्यू के दौरान जानवी ने अपने जीवन में माँ श्रीदेवी की अनुपस्थिति को न झेल पाने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी लगता है कि उनकी दिवंगत माँ यात्रा कर रही हैं और जल्द ही उनके पास लौटेंगी। अब भी जब मैं इंटरव्यूअर से बात करती हूँ तो हर दो तीन वाक्यों में उसका जिक्र करती ही हूँ। मम्मा ने ये कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं यात्रा कर रही हैं और वो वापस आ जाएंगी। फिर भी जानवी ने लल्लन टॉप को ये बातें बताई हैं। फरवरी 2018 में श्रीदेवी की मृत्यु हो गई और जानवी ने जुलाई 2018 में फिल्म में डेब्यू स्टार्ट किया था। खैर, अब आप बताओ कि मिस्टर एंड मिसेस माही को आप देखोगे या नहीं और आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, आन सेफ रहें, बाय बाय। बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन के लिए धड़क गर्ल जानवी कपूर जयपुर पहुंची। एक्ट्रेस को जयपुर में देख फैंस के बीच खासा क्रेज देखने को मिला। इस रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी को शरण शर्मा के जरिए निर्देशक कर ट्री स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शन ने निर्मित किया। मूवी में जानवी कपूर और राजकुमार राव के साथ जरीना वाहब, हिमांशु जयकार, कुमुद मिश्रा और राजेश शर्मा सहित अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में। ये मूवी आने वाले 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी जिसे लेकर दर्शकों के बीच खासा क्रेज बना है। धड़क गर्ल जानवी कपूर ने जयपुर के होटल मैरियट में अपनी आने वाली मूवी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की। उन्होंने कहा कि जयपुर उनकी रंगों में बसता है। उनके करियर की शुरुआत गुलाबी नगरी से ही हुई थी। यहाँ की हर गली में रोमांस मिलता है। यहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन सब बेहद अच्छा है। मिस्टर एंड मिसेस माही की शूटिंग के दौरान राजधानी में जयपुरी लस्सी के स्वाद ने उनमें हमेशा ताजगी भरे रखा। शूटिंग खत्म होने के बाद वे अक्सर लस्सी पीने के लिए गुलाबी नगरी की गलियों में साथ ही कलाकारों के साथ निकल पड़ते थे। उन्होंने आगे बताया कि आजकल बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के बीच फिल्मों की शूटिंग के लिए राजस्थान हॉट लोकेशन के रूप में देखा जाने लगा है।
जयपुर और उदयपुर उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर होते हैं। यहाँ की कहानियों से मूवी के इमोशन अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए जयपुर से एक खास तरह का रिश्ता फील करती हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी अगली मूवी की शूटिंग भी जयपुर में ही होगी, जो सनी की संस्कारी की तुलसी कुमारी है। जयपुर से लगाव पर उन्होंने कहा कि गुलाबी नगरी की गलियों में एक अलग तरह का रोमांस बसा हुआ है। यहाँ के लोगों के मिजाज में एक नफाजत सी है, जिसके कारण यहाँ पर बार बार आने का मन करता है। यहाँ का आर्किटेक्चर देश के बेहतरीन राज्यों में से एक माना जाता है। जब भी हम छोटे छोटे सीन शूट करने के लिए भागने का या चाय पीने का मोटान शूट करते हैं, तो लगता है जैसे बड़े बजट की फिल्म कर रहे हो। ये शहर हमेशा अपनी रॉयल्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ की लस्सी से एक खास यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए जब भी राजस्थानी आऊँगी इसका स्वाद चखे बिना कभी नहीं जाऊँगी। इससे पहले ये लोग वाराणसी भी गए थे। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन के लिए पहुँचे फिल्म अभिनेता राजकुमार राव व राजकुमार की वाइफ यानी जाह्नवी कपूर को बनारस में भी खूब पसंद किया गया और उन्हें भी बनारस खूब भाया। सोमवार को दोनों ने नाव से गंगा घाटों की खूबसूरती निहारी, गंगा आरती में शामिल हुए और लस्सी का स्वाद लिया। इस दौरान जाह्नवी कपूर ने स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया। उन्होंने स्टूडेंट से कहा, मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत धड़क के जरिए जयपुर से हुई थी। इस मूवी की शूटिंग भी हमने जयपुर में ही की है। यहाँ मुझे अपनेपन का एहसास हो जाता है। राजकुमार राव के साथ मैंने यहाँ बहुत ही खास दिन गुजारे। MI रोड हो या चार दीवारी, हमने सभी जगह शूट किया है। इसके बाद हमने क्रिकेट से जुड़े सीन अहमदाबाद में भी शूट किए। नदेसर स्थित होटल ताज में मीडिया से बात करते हुए जाह्नवी ने कहा कि यहाँ आने के बाद शहर के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, यानी वाराणसी की वो बात करी थी। ये शहर और यहाँ के लोग बेहद एनर्जेटिक हैं। जाह्नवी ने कहा कि वो अपनी माँ श्री देवी की बड़ी फ़ैन है, अभिनय में उनकी बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। राजकुमार राव ने बताया कि वो कई बार काशी आ चुके हैं, इस शहर के प्रति उनकी अपार आस्था है। उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर पहड़िया स्थित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट परिसर में छात्र छात्राओं से भी मिले, उन्हें मूवी के बारे में बताया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। संस्थान के संस्थापक ई अशोक मौर्य, हीरालाल मौर्य, चेयरमैन ई अंकित मौर्य, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमित मौर्य, मैनेजिंग डायरेक्टर अनुभव मौर्य, डायरेक्टर डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, फार्मेसी डायरेक्टर डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने उनका स्वागत भी किया। जाह्नवी ने इतनी भीषण गर्मी में फिल्म रिलीज करने पर कहा, मौसम तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमने आपको गर्मी से बचाने के लिए फिल्म ऑडिटोरियम में चिल्ड हवा की व्यवस्था की है। आप गर्मी में कुछ घंटे ऑडिटोरियम में बिताएं, यहाँ आपको गर्मी से बचाव के अलावा एक अच्छा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। जाह्नवी ने बताया, जयपुर में जब मैं शूटिंग कर रही थी तब रोज़ MI रोड की लस्सी पीती थी, ये मेरा रूटीन था। आज भी हम जब जयपुर जाते हैं तो MI रोड पर जाने का प्लान नहीं था, मैंने टीम से बात की और हम लस्सी पी कर आए। ये लस्सी मेरी फेवरेट है, जयपुर आओ और लस्सी ना पियो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर, जाह्नवी ने तो काशी यानी महादेव की नगरी को भी वहाँ जाकर पूरा कर लिया, अपनी प्रार्थना कर ली होगी, यार मेरी मूवी हिट हो जाए। तो अब देखते हैं कि देवों के देव महादेव उनकी ये कामना सुनते हैं कि नहीं, और अब माथा टेक कर आया है तो ऑब्वियसली उनकी मूवी हिट ही होगी। खैर, अब आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर? हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर इन दिनों फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर चर्चा में। इसका ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसमें दोनों एक्टर्स के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। ऐसे में मूवी की कास्टिंग डायरेक्टर पंचमी घावरी ने स्टार कास्ट और मूवी को लेकर जनसत्ता कॉम से बात की और इस दौरान उन्होंने कई खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि मूवी में क्रिकेट खेलने के लिए जाह्नवी ने ट्रेनिंग ली थी और इस बीच वो चोटिल भी हो गई थी, जिसकी वजह से शूटिंग को टालना पड़ा था। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मिस्टर एंड मिसेस माही में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर को कास्ट और उनकी केमिस्ट्री को लेकर पंचमी घावरी ने कहा,
क्या है कि वो दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं। जब आप पहले से किसी के साथ काम किए होते हो तो वो कंफर्ट जोन आ जाता है। इसकी वजह से ही इनकी केमिस्ट्री भी मिस्टर एंड मिसेस माही में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो दोनों एक्टर्स भी साथ में सहज थे, यानी कंफर्टेबल थे। कास्ट करने को लेकर पंचमी ने कहा, हमें पता था कि वो साथ में पहले भी काम कर चुके थे तो हमने भी उनकी केमिस्ट्री को पहचाना था। वहीं मूवी के डायरेक्टर शरण शर्मा ने जानवी के साथ गुंजन सक्सेना में काम किया था, तो वो दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते थे और अच्छा बॉन्ड रहा है, इसलिए एक्ट्रेस का फिल्म में होने से पहले ही तय था। फिर राज का काम सभी ने देखा हुआ है तो हमें लगा कि जानवी के साथ उनकी केमिस्ट्री जम सकती है। साथ ही मूवी में जो कैरेक्टर है उसके लिए राजकुमार से बेहतर कोई फिट लगा ही नहीं। पंचमी से इस दौरान पूछा गया कि मूवी के लिए राजकुमार राव ही मेकर्स की पहली पसंद थे या फिर कुछ और एक्टर्स को ट्राई किया गया था, तो इस पर उन्होंने कहा, मैं इस मूवी पर 2021 से काम कर रही थी, काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। मैं उन एक्टर्स के नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, हमें राजकुमार राव और जानवी कपूर के साथ एक बेहतरीन जोड़ी मिली है। पंचमी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शूटिंग से जुड़ी बातें बताती हैं। हमने इस मूवी पर करीब 3 साल काम किए, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, चोटें आई। जानवी शूटिंग के दौरान 2 बार घायल हुई, क्रिकेट सीखने के दौरान उन्हें 2 बार चोट लगी थी, इसकी वजह से 3-4 महीने शूटिंग भी रोकनी पड़ी थी। जानवी ने क्रिकेट खेलने के लिए ट्रेनिंग भी ली थी। लड़के क्रिकेट आसानी से खेल लेते हैं, लेकिन लड़कियां जब पहले से ना खेली हों तो उनके लिए खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पंचमी ने यह भी बताया कि बाकी के एक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी। स्टार किड जानवी कपूर ने खुद को इंडस्ट्री की सबसे प्रतिभाशाली एक्ट्रेस की सूची में स्थापित कर दिया है। जानवी कपूर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर अपनी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है। अभी हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर कर अपने फैंस को, फॉलोअर्स को अपने नए प्रोजेक्ट मिस्टर एंड मिसेस माही के बारे में जानकारी दी। इस फोटो में जानवी कपूर ने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। इस फोटो के कैप्शन में वो लिखती हैं कि हैप्पी मंडे, विश मी लक फॉर #MrAndMrsMahiAuto। उनकी इस फोटो पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए। इस पर कमेंट करते हुए डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा लिखते हैं, ब्यूटिफुल गुड लक ऑलवेज। मिस्टर एंड मिसेस माही का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना दी कागिल गर्ल का निर्देशन भी उन्होंने किया था। मिस्टर एंड मिसेस माही को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस मूवी में जानवी कपूर के साथ राजकुमार राव मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। इस मूवी की शूटिंग करीब 2 साल तक चली। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान जानवी कपूर ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने क्रिकेट सीखा था। अभिनेत्री ने कहा कि मूवी के निर्देशक शरण शर्मा इस मूवी को वास्तविक रूप से शूट करना चाहते थे। मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जानवी कपूर ने आगे बताया कि मिली के टाइम मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, 2 साल लग गए। हमारे निर्देशक काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं, वे चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेटर बन जाऊँ। वो किसी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहते थे कि मैं VFX में डाल देंगे या आधे अधूरे काम हो। पूरी तरह से चाहते थे कि मैं इस दुनिया में मिल जाऊँ और जुड़ जाऊँ। जानवी कपूर ने यह भी बताया कि मूवी की शूटिंग और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बहुत ही चोटें आई थी, मेरे उनके दोनों कंधे चोटिल हो गए थे, लेकिन पूरा क्रेडिट उन्होंने दोनों कोच अभिषेक नायर और विक्रांत सर को ही दिया। इन दोनों ने बहुत ही मेहनत की, हर मोड़ पर जानवी का साथ दिया और साथ कभी नहीं छोड़ा, हर वक्त मोटिवेट करते रहे। जानवी ने कहा, मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी पर उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। इस मूवी में जानवी कपूर एक डॉक्टर की भूमिका निभा रही हैं जो क्रिकेट के लिए अपना जुनून तलाशती हैं। उन्हें मूवी में अपने पति से प्रेरणा मिलती है, इस तरह वे अपनी यात्रा पूरी करती हैं। तो वेल, आप जानवी कपूर की इतनी स्ट्रगल वाली यात्रा देखने के लिए एक्साइटेड हो? भाई, उन्होंने बहुत ही काम किया, ये हम बता सकते हैं ना, उनकी
इन बातों से क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस मूवी को जाकर देखें और इन्हें सपोर्ट करें। वेल, आप बताओ, आप जाओगे या नहीं, बताओ हमें कॉमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही आज यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। पिछले कुछ दिनों से इस मूवी को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज है। ऐसा माना जा रहा है कि मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करेगी। इस बीच फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी कर दी है कि कितने करोड़ से जानवी कपूर और राजकुमार राव की मूवी का खाता खुलेगा। आउटलुक के मुताबिक प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जोहर ने कहा, थर्मा प्रोडक्शंस ने मूवी का अच्छा प्रमोशन किया है। राजकुमार राव और जानवी कपूर के अच्छे फैन फॉलोवर्स हैं। मुझे लगता है कि इसकी अच्छी खासी शुरुआत होगी। यदि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो शाम और वीकेंड शो में ऑडियंस की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में भी कोई दूसरी बड़ी रिलीज नहीं है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अगर मूवी पहले 3 दिन में 3 करोड़ के आसपास, पहले 3 दिन में तो 9 करोड़, और आप पहले दिन में 3 करोड़ के आसपास ओपनिंग करती है तो बहुत ही खुशी की बात है। मूवी एग्जिबिटर और ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी ने कहा, उम्मीद है कि मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके ट्रेलर और गाने अच्छे लग रहे हैं। ये एक दिलचस्प शुक्रवार है, क्योंकि दर्शकों के लिए हर तरह की फिल्में, कपल्स के लिए मिस्टर एंड मिसेस माही है, दूसरी तरफ वो छोटा भी मोदी कर्स ऑफ द मायन है, और एडल्ट्स के लिए थ्रिलर मूवी सावी है। मिस्टर एंड मिसेस माही सिर्फ एक स्पोर्ट्स मूवी नहीं है, बल्कि ये एक अंडरडॉग ड्रामा है, और ये वो जॉनर है जिसे हम भारतीय जमकर एंजॉय करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी का ह्यूमन इमोशनल एंगल इसे सफल बनाएगा, ऐसा अक्षय राठी ने कहा। अक्षय राठी ने मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर भविष्यवाणी करते हुए ये भी कहा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन करीब 3 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। बता दें कि मिस्टर एंड मिसेस माही राजकुमार राव और जानवी कपूर की साथ में दूसरी मूवी है। इस मूवी का डायरेक्शन चरण शर्मा ने किया है। इससे पहले जानवी और राजकुमार राव ने हॉरर कॉमेडी मूवी रूही में काम किया था, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। अब देखना होगा कि मिस्टर एंड मिसेस माही बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है। मूवी की कहानी बहुत ही दमदार है, साथ ही कलाकारों ने भी शानदार की एक्टिंग की है। आइए आपको बताते हैं सेलेब्स ने मूवी की तारीफ में क्या कहा। कुणाल खेमू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मिस्टर एंड मिसेस माही का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, खुशी दिल में होती है, वो बाहर नहीं मिलती, सिंपल, स्वीट और इफेक्टिव। पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं कुणाल की पत्नी सोहा अली खान ने लिखा, कितनी प्यारी मूवी है जो याद दिलाती है कि जिंदगी में ज़रूरी है वो है खुशी। अंगद बेदी ने लिखा, ये शानदार मूवी देखी, बड़े दिल वाली कहानी है, असली हीरो तो पीछे खड़े होकर भी बन सकते हो, वेल डन शेरी, तुम मेरे 2 in 1 हो। राजकुमार राव और डायरेक्टर शरण शर्मा की तारीफ करते हुए अंगद ने लिखा, ईमानदारी, कमजोरी, असुरक्षा, यही बातें उन्हें मिस्टर माही बनाती है। जानवी मिसेस माही के साथ साथ क्रिकेट में भी माहिर है, वो हर फ्रेम में छाई रहती हैं। मिस्टर और मिसेस माही का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। ये एक कपल की कहानी है जो दोनों ही क्रिकेट को लेकर पैशनेट है। जानवी कपूर मूवी में एक डॉक्टर के किरदार में नजर आई हैं, जिसे क्रिकेट खेलना और देखना दोनों ही बेहद पसंद है। मूवी में जानवी और राजकुमार के साथ अभिषेक बनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वाहब अहम किरदार में नजर आए। ट्रेड एनालिस्ट सुमित कारेल के मुताबिक मिस्टर एंड मिसेस माही पहले दिन 4 से 5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। शुक्रवार को मूवी के टिकट की कीमत तो महज 99 रुपीज़ है, जिसका फ़ायदा मूवी को मिलेगा। वहीं पहले वीकेंड के बाद मूवी 11 से 13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। मूवी को यदि अच्छी माउथ पब्लिसिटी मिलती है तो अच्छे वीकेंड के अलावा मूवी 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकती है। सुमित करेल के मुताबिक मूवी को एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पांस मिला है। एडवांस बुकिंग में मिस्टर एंड मिसेस माही के 2 लाख टिकट्स बुक हो सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही को काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिली है
और मिल भी सकती है। वहीं मूवी की मेरिट को देखते हुए कहा जाता है कि इस महीने श्रीकांत के बाद दूसरी हिट मूवी मिल सकती है। सुमित करेल ने मिस्टर एंड मिसेस माही को 3.5 स्टार दिया है और मूवी को अच्छे इमोशनल ड्रामा से भरपूर वाला एक टैग भी दे दिया। मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए जून का पहला हफ्ता काफ़ी अहम है। हालांकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, जिसका असर मूवी पर पड़ सकता है। इसके अलावा 14 जून को कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन रिलीज हो रही है। इसके अलावा 27 जून 2024 को प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन की मूवी कल की 2898 AD आने वाली है। और कल की 2898 AD आएगी तो चंदू चैंपियन हो या मिस्टर एंड मिसेस माही, ये सारे के सारे एक बार में किकआउट हो जाएंगे, क्योंकि कल की एक ऐसी मूवी है जो डिस्टोपियन फ्यूचर पर सेट है, 2080 में लेकर जाएगी हमें। अब देखते हैं कल की मिस्टर एंड मिसेस माही और चंदू चैंपियन कौन ज़्यादा कमाल दिखाती है और कौन सी मूवी आपको ज़्यादा एक्साइट करती है, वो तो आने वाले जून के मंथ के एंड तक हमें पता चल ही जाएगा। बस अभी तो जो इंतज़ार है वो इस लव स्टोरी को देखने का है। जाओ अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करो इस मूवी को। टिल देन बाय बाय। क्रिकेट और बॉलीवुड का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। दोनों इंडस्ट्री की कई हस्तियों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, तो कई बार सिनेमा में क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों के ऊपर फिल्में बनी। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जो क्रिकेट पर बेस्ड हैं। हाल ही में सुर्खियां बटोर रही राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मूवी भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित नहीं है। इससे पहले भी कई फिल्मों में क्रिकेट का मजा मिला है। चलिए एक पैनी नज़र डाल ही लेते हैं उन फिल्मों की लिस्ट पर। मिस्टर एंड मिसेस माही। मिस्टर एंड मिसेस माही का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। मूवी को करण जौहर, जी स्टूडियोज, हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता का समर्थन मिला है। धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी जी स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत की गई है। मिस्टर एंड मिसेस माही में राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का किरदार नहीं निभा रहे हैं, जस्ट उनका नाम लिया उन्होंने, और उनकी पत्नी यानी जानवी कपूर महिमा नामक किरदार की भूमिका निभाएंगी। ये मूवी 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, ये भी याद रखना। अब आते हैं 83 पर। रणवीर सिंह स्टारर मूवी 83 साल 1983 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप पर बेस्ड है, जिसमें कपिल देव की जिंदगी को भी काफ़ी बारीकी से दिखाया गया था। 24 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई इस मूवी में रणवीर ने कपिल देव का किरदार निभाया और दीपिका उनकी पत्नी के रूप में दिखी थी। हालांकि मूवी पर्दे पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। सचिन अ बिलियन रन्स। भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर आधारित ये मूवी साल 2017 में आई थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ही बतौर अभिनेता नजर आए थे। जेम्स अस्किन के निर्देशन में बनी इस मूवी का निर्माण रवि भगचंदका द्वारा कार्निवल मोशन पिक्चर्स के बैनर तले किया गया था। इस मूवी को दर्शकों ने अच्छा खासा प्यार दिया था। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 70 crore के आसपास का कलेक्शन किया था। और होता भी क्यों नहीं भाई, अपने सचिन जो थे इस मूवी में। नाउ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। साल 2016 में आई मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे और उन्होंने इस मूवी में धमाल मचा दिया था। मूवी महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बेस्ड है और माही का किरदार सुशांत ने बखूबी निभाया था। ये मूवी साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसने 200 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। अजहर। अजहर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आधारित मूवी है, जिसमें इमरान हाशमी और प्राची देसाई की जोड़ी नजर आई थी। इस मूवी में पूर्व क्रिकेटर की जिंदगी से जुड़े विवाद को काफ़ी बारीकी से दिखाया गया था। साल 2016 की ये मूवी भी फ्लॉप रही थी। मूवी को बनाने में लगभग 38 crore रुपए की लागत आई थी, लेकिन इसका कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया। पटियाला हाउस। अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा स्टारर पटियाला हाउस पोस्ट ड्रामा है, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में अक्षय कुमार बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखते हैं,
लेकिन उनके पिता बने ऋषि कपूर क्रिकेट के खिलाफ होते हैं, लेकिन बाद में अक्षय कुमार इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और जीत हासिल करते हैं। बड़ी स्टार कास्ट से सजी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी। मूवी का टोटल कलेक्शन 21 करोड़ हो पाया था, वहीं इसका बजट 26 करोड़ था। इकबाल 2005 में रिलीज हुई इकबाल एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसका निर्देशन नागेश कुकनूर ने किया है। इस मूवी में श्रेयस तलपड़े, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड जैसे कलाकार नजर आए थे। मूवी कहानी में एक ऐसे लड़के की जिंदगी पर आधारित है जो बोल और सुन नहीं सकता है और क्रिकेट खेलने के सपने देखता है। इस मूवी ने 5.6 CR का कलेक्शन किया था। लगान आमिर खान की मूवी लगान ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। साल 2001 में इस मूवी ने भारत में लगभग 53 CR रुपए का शानदार कलेक्शन किया था। कमाई के साथ साथ इस मूवी ने एक के बाद एक कई अवार्ड भी अपने नाम किए थे, जिसमें आईफा, फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड तक शामिल है। अब देखना ये है कि मिस्टर एंड मिसेस माही क्या इन सभी क्रिकेट वाले मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ती है या पीछे रह जाती है। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि यार प्लीज़ आप जाओ सपोर्ट करो इस मूवी को और इसे बहुत ही सक्सेसफुल बना दो, ताकि जानवी और हमारे राजकुमार का करियर इस मूवी से और भी ज़्यादा सेट हो जाए और टॉप नोच पे पहुँच पाए। वेल, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। एक्टर राजकुमार इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। उनकी मूवी श्रीकांत थिएटर में लगी है। मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले हैं, हालांकि कमाई के मामले में मूवी स्लो चल रही है। मूवी ने ओपनिंग वीकेंड पर 11.7 CR की कमाई की थी। अभी तक मूवी तकरीबन 16 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। वहीं इसी बीच राजकुमार राव ने अपनी अपकमिंग मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन भी स्टार्ट किया। राजकुमार राव के लिए मूवी का हिट होना उनके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने लंबे अरसे से कोई हिट मूवी दी ही नहीं है। राजकुमार राव ने 2010 में मूवी लव सेक्स धोखा से डेब्यू किया था। ये मूवी